हेलो फ्रेंड, वेलकम टू बीबीएससी प्लेटफॉर्म। आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वीकली करेंट अफेयर। हमने 1 जून से लेकर 6 जून तक जितना भी करेंट अफेयर को पढ़ा है, हम लोग आज के इस सेशन में पूरा कर लेंगे। ठीक है, ये वीडियो 1 घंटे का होगा या 45 मिनट जो भी, तो इसमें पूरे 1 से लेकर 6 जून तक आपका रिवाइज हो जाएगा। तो जैसा आपको सुविधा पड़े 1.25 गुना, या आप कह सकते हैं 1.5, मतलब 1.5 के स्पीड में, या तो 1.25 के स्पीड में आप इस वीडियो को देखिएगा तो सही रहेगा। बिकॉज इसमें हम सारा चीज़ आपको पहले से लिखा रहेगा, बस मैं एक बार रिवाइज आपको करवाता जाऊंगा, कुछ कुछ चीज़ आपके जो कि दिमाग में आपका घुसता जाए। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं आज के इस करेंट अफेयर को। स्टार्टिंग करेंट अफेयर से पहला हमारा हेडलाइन हमारा है वर्ल्ड टोबैको डे 31 मई को मनाया जाता है। इस बार का थीम है कमिट टू क्विट। ठीक है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, और WHO का जो डायरेक्टर जनरल का जो अवार्ड है, रिकॉग्निशन अवार्ड जो होता है, WHO डायरेक्टर जनरल रिकॉग्निशन अवार्ड है, वो हमारे डॉक्टर हर्षवर्धन को मिला है, जो हमारे हेल्थ मिनिस्टर है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए हो गया कंप्लीट। 31 मई को कमिट टू क्विट इस बार का वर्ल्ड नो टोबैको डे का थीम है। देखिए, प्राइम मिनिस्टर ने बोला है कि हम पीएम केयर बनाएंगे, पीएम केयर फंड बनाएंगे चिल्ड्रन, बच्चों के लिए, उनके उन बच्चों के लिए जिनके माता पिता कोविड में जिनका डेथ हो गया। ठीक है, तो उन अनाथ बच्चों को अभी तक एटलीस्ट 577 मतलब 570 बच्चों को मतलब ऐसा हो चुका है कि जिनके माता पिता खो चुके हैं। अभी और इस पे सर्वे होगा, आंकड़े और भी आएंगे। तो कह रहा है कि जो 18 साल से लेके 23 साल तक के हम लोग बच्चों को क्या करेंगे, हम तो महीने महीने पैसा देंगे, और जब वो 23 साल का हो जाएगा तो 10 लाख रुपये इनको देंगे, और ये 10 लाख रुपए से इन लोग जो भी बिजनेस करना या आगे के चीज में वो काम करेंगे। ठीक है, मतलब 18 वर्ष से लेकर 23 वर्ष तक इन बच्चों को ये हो गया कि पैसा हर मंथली उनका खर्चा दिया जाएगा, और 23 साल को हो जाएंगे तो 10 लाख रुपए उनको अकाउंट में सीधे ट्रांसफर किया जाएगा। और 18 वर्ष से पहले जैसे कि 10 साल के जो बच्चे हैं उनको पढ़ने के लिए केंद्रीय विद्यालय है, ठीक है, सैनिक स्कूल है, नेत्रहाट नवोदय है, उन सारे स्कूलों में उनको एडमिशन होगा फ्री ऑफ कॉस्ट, बुक वुक सब कुछ मिलेगा। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। इसी तरह हर एक स्टेट ने भी अपना अपना राज्य ने लॉन्च किया, हम आगे डिस्कस करेंगे। अभी देखिए, आपके जो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार है ANSA अजीत डोभाल ने हमारे इंडियन कोस्ट गार्ड में एक नया पेट्रोल, एक समझिए कि पेट्रोल विजल को कमीशन किया, मतलब कि शामिल किया। ठीक है, पेट्रोल विजल मतलब कहने का मतलब गश्ती पोत, मतलब क्या हुआ कि वो पेट्रोलिंग का काम करेगा समुद्र के किनारे आसपास के क्षेत्रों में। ध्यान रखिएगा, आगे हम इसे चर्चा करने वाले हैं भी। ठीक है, ये हो गया। तो इसका नाम क्या है, सजग, क्या नाम है, सजग रहेगा पूरे समुद्र के किनारों को, ये पेट्रोलिंग करेगा। अच्छा ठीक है, देखिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बाल सहायता, देखिए बिहार में बाल सहायता है, यूपी में क्या है, बाल सेवा है। देखिए उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री बाल सेवा, यूपी में सेवा मिल रहा है और यहाँ पे सहायता मिल रहा है बिहार में। ठीक है, तो ये योजना है दोनों कोविड में जिनके बच्चे जिनके माता पिता खो गए उन बच्चों के लिए है। बिहार सरकार बोली कि हम 1500 रुपये महीना देंगे 18 साल के एज तक है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। क्यूरोसिटी रोवर के बारे में आपने सुना होगा, मैंने बताया था क्यूरोसिटी रोवर जो है इसने मंगल ग्रह के ऊपर चमकते हुए, मतलब आप समझ कि बादल का इन्होंने फोटो वहाँ पे कैप्चर किया है क्यूरोसिटी रोवर ने मार्स के ऊपर। ठीक है, तो ये रोवर ध्यान रखिएगा कि नासा के द्वारा छोड़ा गया था 2011 में। इसका मिशन का नाम था मार्स साइंस लेबोरेटरी मिशन, और 2012 में ये मंगल ग्रह पर पहुंचा। ठीक है, तो वहां पर ये जो क्लाउड है उसका पिक्चर इसने लिया है, इसलिए अभी न्यूज में है। ठीक है, तो क्यूरियोसिटी रोवर के बारे में पूछा किसने लॉन्च किया, तो नासा ने लॉन्च किया था। किस मिशन के तहत, मार्स साइंस लेबोरेटरी मिशन MSL, देख सकते हैं ये रोवर आपके पास है। देखिए नासा अभी DOGE-1 मिशन भेजेगा मंगल ग्रह के ऊपर, मून के ऊपर, लूनर मिशन है। किस तरह का मिशन है, लूनर मिशन है, और ये स्पेस एक्स कंपनी के थ्रू जाएगा, DOGE-1 मिशन। ठीक है, तो मून पे जाएगा ये 2022 में जाने वाला। ठीक है, तो ये जो DOGE-1 मिशन है इसमें इसने बोला, आपके एलोन मस्क ने बोला कि हम DOGE-1 मिशन के तहत जो भी पैसे खर्चा हुआ ट्रांजेक्शन होगा वो पैसा हम लोग DOGE-COIN क्रिप्टो करेंसी मिलेंगे, DOGE-COIN। तो DOGE-COIN क्रिप्टो करेंसी भी बहुत ज्यादा न्यूज में है, ध्यान रखें DOGE-COIN क्रिप्टो करेंसी। तो ये सवाल एग्जाम में पूछ सकता है किस करेंसी में, किस क्रिप्टो करेंसी में पैसे का पेमेंट होगा DOGE-1 मिशन के तहत, तो ध्यान रखिएगा कि वो DOGE-COIN में होगा। ठीक है, और भी कॉइन्स है, बिटकॉइन से, इथेरियम है, ठीक है, ये सारे कॉइन्स हैं आपके क्रिप्टो कॉइन्स होते हैं। अब देखिए
एक्सियोम, एक्सियोम के साथ नासा ने समझौता किया, एमओयू साइन किया है। एक्सियोम एक प्राइवेट कंपनी है, तो उसके साथ नासा ने साइन किया है। और ये एक्सियोम बोल रहा है कि हम अपना एक मिशन भेजेंगे AX-1, हम अपना मिशन भेजेंगे और पहला बार कोई मिशन होगा जो प्राइवेट मिशन जो जाएगा अंतरिक्ष स्पेस स्टेशन में। बोला कि हम अपने यात्रियों को अंतरिक्ष स्पेस स्टेशन में भेजेंगे, वहां पे सर्वे उर्वे करेगा, वहां पे कुछ स्टडी करेगा, ठीक है, बस इसी चीज के लिए। तो एक्सियोम मिशन के साथ, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अच्छा देखिए, इसने जो मंगल ग्रह पे फोटो खींचा बादल का, तो वैज्ञानिकों का कहना कि देखिए मंगल ग्रह पे बादल रेयर केस में बनते हैं, और बादल बनते भी हैं तो जो मंगल ग्रह का जो इक्वेटर है वहां पे सबसे ज्यादा ठंडा होता है, मतलब सबसे ज्यादा जब सूर्य से दूर होता है मंगल ग्रह से सबसे ज्यादा जब दूरी होता है सूर्य से, तब उसके इक्वेटर के आसपास के क्षेत्र में जब बहुत ठंडा होता है तब वहां पे बादल का फॉर्मेशन होता है, ये हो गया, ठीक है। अच्छा देखिए, मंगल ग्रह पर एक मिशन आसान भेजा था, उसका नाम था मार्स मिशन 2020, ये पहुंचा भी हाल में ही 2021 के अंदर। इस मिशन में जो रोवर है उस रोवर का नाम है परसिवरेंस, और साथ में एक हेलीकॉप्टर गया, उस हेलीकॉप्टर का नाम है इंजीन्यूटी हेलीकॉप्टर। पहली बार कोई हेलीकॉप्टर गया है, छोटा हेलीकॉप्टर है जो इस मिशन के साथ गया, वो है इंजीन्यूटी हेलीकॉप्टर। उसमें बहुत सारे कैमरे लगे हैं और उसने भी हाल में बहुत सारा तस्वीर भी खींचा है, और वो अपना 6-7 उड़ान भी वहां पे भर चुका है। ध्यान रखिएगा, वहां पर जो भी क्रेटर्स हैं, जो भी क्रेटर्स चट्टान हो, उन चट्टान का भी हाल में एक पिक्चर भेजा, जिसके साथ जो मंगल ग्रह पे चट्टान है उसका पता लगाया गया, चट्टान में क्या क्या चीजें हैं, कब का चट्टान है, कितना पुराना है, ये सारे, ठीक है। लेकिन क्यूरियोसिटी रोवर का भी यही काम था, इसको भी क्रेटर पे भेजा गया था। कौन क्रेटर पर? तो गेल क्रेटर पे भेजा गया था। और क्यूरियोसिटी रोवर का मेन काम था ना कि जो मार्स है ना उसे क्लाइमेट को, उसके जियोलॉजी को अध्ययन करो, मार्स के क्लाइमेट को और जियोलॉजी को अध्ययन करो, ये क्यूरियोसिटी रोवर का था। अच्छा अभी ध्यान रखिएगा कि नासा ने बोला कि हम एक रोवर भेजेंगे 2023 तक के, वाइपर रोवर। क्या वाइपर रोवर? और वो क्या करेगा? वो कहा कि भैया वो जो चंद्रमा है, ध्यान रखिएगा, उस चंद्रमा की मैं बात कर रहा हूँ, बोला उस चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर, चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर जो सबसे ज्यादा, ध्यान रखिएगा कि वहां पर बहुत कम ही मिशन गया अभी तक, बोला वहां पर पानी वानी का पता लगाएगा, आइस का पता लगाएगा। वाइपर के मिशन के बारे में ऑलरेडी डिस्कस किया है, ठीक है, जब ये जाएगा तो वहां पर करंट अफेयर में आ जाएगा, ध्यान रखिएगा। ये मैंने बताया था स्ट्रक्चर ऑफ सन के बारे में, सन का जो सबसे बीच वाला जो पार्ट होता है जहां पे न्यूक्लियर फ्यूजन, पूछ दे कि सूर्य के किस भाग में न्यूक्लियर फ्यूजन होता है, तो वो होता है क्रोड में, जिसको बोलते हैं हिंदी में, इंग्लिश में कोर, क्रोड में जहां पे न्यूक्लियर फ्यूजन, नाभिकीय संलयन। संलयन मतलब कि जब दो न्यूक्लियाई जुड़ जाए, फ्यूज कर जाए आपस में, मतलब फ्यूज करने का क्या होता है, ये न्यूक्लियाई आपस में फ्यूज कर गए, तो इसको बोलते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन। तो वो क्रोड में होता है, और उससे बहुत ज्यादा टेम्परेचर कितना होता है भैया, 1.5×10⁻⁷ डिग्री सेल्सियस, बहुत ज्यादा टेम्परेचर होता है। अच्छा एक होता है न्यूक्लियर फ्यूजन, FISSIN। देखिए फ्यूजन और फ्यूजन कैसे याद रहेगा, डिवीजन याद रखिए, डिवीजन, ठीक है, डिवीजन याद रखिए और फ्यूजन याद रखिए। डिवीजन मतलब कहना टूटना, तो फ्यूजन रहेगा तो विखंडन होता है, जब एक परमाणु 2-3 में विखंडित होते हैं उसको बोलते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन, जो कि हम लोग एटम बम में इस्तेमाल करते हैं उस थ्योरी का, बट यहाँ पे न्यूक्लियर फ्यूजन होता है। तो फिर टू स्मॉल न्यूक्लियाई फ्यूज विद ईच अदर और प्रोड्यूस करता है एनर्जी को, तो वो होता है हाइड्रोजन और हीलियम दोनों आपस में इस तरह से करते हैं, ठीक है। अच्छा ये हमारा जो सूर्य है इसके बारे में आप ध्यान रखिएगा कि जब सूर्य ग्रहण रहता है तो उसका एक पार्ट दिखाई पड़ता है, उसको बोलते हैं कोरोना, कोरोना, इस पार्ट को क्या बोलते हैं, कोरोना। जब सूर्य ग्रहण लगेगा ना तो जब थोड़ा थोड़ा दिखाई पड़ेगा उस पार्ट को बोलते हैं हम लोग कोरोना, उसको बोलते हैं सूर्य किरीट, ठीक है। और वो एक्सरे इमिट करता है सूर्य ग्रहण के समय, क्या इमिट करता है, एक्सरे इमिट करता है, ध्यान रखिएगा, उसको बोलते हैं सूर्य का मुकुट भी हम लोग बोलते हैं, ये ध्यान रखिएगा कोरोना के मामले में, ठीक है। आगे चलते हैं, देखिए अब जो सूर्य होता है उसके आउटर सरफेस, मतलब बोलता है कि बाहरी परत का सूर्य का क्या तापमान होता है, 6000 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। ये सब प्री वाला सवाल है, फोटोस्फीयर का कितना तापमान है 6000 डिग्री, कोर का कितना तापमान है 1.5×10⁷ डिग्री सेल्सियस। देखिए अच्छा ये सूर्य का जो उम्र है ना, मतलब उम्र नहीं, मतलब सूर्य का जो एक लाइफ टाइम है वो है 5 बिलियन ईयर, इट मीन्स 500 करोड़, ठीक है, 1 बिलियन में 100 करोड़ होता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। एक लाइट ईयर में होता है इतना किलोमीटर, मतलब लाइट ईयर का मात्रक है दूरी का मात्रक है, कभी भी आप लाइट ईयर को स्पीड मत बोलिएगा, लाइट ईयर है मतलब कहना है तो ये प्रकाश है ना, प्रकाश लाइट, वो एक साल में कितना दूरी तय कर लेता है, एक साल में कितना, क्योंकि प्रकाश का आपको पता है स्पीड, तो एक लाइट ईयर में 9.45×10⁻½ किलोमीटर होता है, और एक पार्सेक में 3.26 लाइट ईयर होता है, तो ये दोनों दूरी के मात्रक है, पार्सेक और प्रकाश वर्ष, ठीक है। अच्छा ये ध्यान रखिएगा, सुपरमून,
अभी सुपर मून क्या होता है, पेरिजी के टाइम, मतलब जब आपका चंद्रमा है ना पृथ्वी के नजदीक आ जाए तो आपको चंद्रमा बड़ा दिखाई पड़ेगा, उसको बोलते हैं सुपर मून। अच्छा ब्लू मून क्या होता है, ब्लू मून कहने का तो कोई ब्लू चंद्रमा नीला नहीं हो जाता, ब्लू मून होता है ना कि एक महीने के अंदर जो हमारा कैलेंडर ईयर होता है, एक महीने के अंदर मान लो जनवरी है, जनवरी के अंदर मान लो दो पूर्णिमा हो गया, कभी कभी होता है जैसे एक तारीख एक पूर्णिमा, एक तारीख 31 तारीख एक पूर्णिमा, तो एक मंथ के अंदर अगर दो पूर्णिमा हो जाता है तो उस को बोलते हैं ब्लू मून। क्या बोलते हैं, ब्लू मून। एक होता है ब्लड मून, रक्त चंद्रमा, रक्त चंद्र क्या बोलते हैं, मतलब जब चंद्रमा पर पृथ्वी का छाया पूरा, मतलब ऐसा माना कि चंद्रमा है, ये चंद्रमा है और पृथ्वी का छाया पूरा इसको ढक ले, तो उसको बोलते हैं ब्लड मून। क्या बोलते हैं, ब्लड मून। ओके, ये तीनों सुपर मून, ब्लू मून और ब्लड मून, ये तीनों अगर एक साल के अंदर हो जाए, एक साल के अंदर ये तीनों ऑकर हो जाए, उसको बोलते हैं सुपर ब्लू ब्लड मून ईयर। समझ रहे बात को। अच्छा, चंद्रयान प्रथम चंद्रमा पर गया था 2008 में PSLV C11 के थ्रू, चंद्रयान सेकंड गया 2019 में, ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, 22 जुलाई 2019 को गया चंद्रयान सेकंड, इसके साथ रोवर गया था, विक्रम नाम का रोवर था और विक्रम नाम का लैंडर था, प्रज्ञान नाम का रोवर था, प्रज्ञान रोवर था, ठीक है, ध्यान रखिएगा। हालांकि ये उतना तरह से सक्सेसफुल नहीं हो पाया जितना होना चाहिए था। आगे चलते हैं, गोवा ने कहा कि हम अपने सारे एरिया में सोलर बेस्ड इलेक्ट्रिफिकेशन करेंगे, मतलब हम सौर विद्युतीकरण करेंगे, सौर ऊर्जा का जो सारे चारों तरफ हम लोग लाइन को पहुंचाएंगे। ये गोवा ने बोला, गोवा ने कब बोला, गोवा का था स्थापना दिवस कब था, 30 मई को। अच्छा, गोवा 30 मई 1987 को क्या बना था, 25वां राज्य, क्या बना था, 25वां राज्य। मुझे कमेंट करके बताओ, आपको ये बताना है कि सिक्किम की कौन सा राज्य बना था, मतलब कितना नंबर का राज्य बना था और सिक्किम का स्थापना दिवस कब मनाया था, बिकॉज मैंने 4-5 दिन पहले ही बताया था। समझ रहे बात को। चलिए, गोवा देखिए पहले था पुर्तगाल के अधीन, क्योंकि 1510 में बीजापुर के सुल्तान आदिल शाह से गोवा को छीना पुर्तगालियों ने 1510 में। फिर गोवा जब इंडिया आजाद हुआ, फिर 19 दिसंबर 1961 को ऑपरेशन विजय चलाया भारत सरकार ने, क्योंकि पुर्तगाल बोल रहा था कि हम गोवा को नहीं देंगे, तो ऑपरेशन विजय चला 1961 में और गोवा इंडिया में शामिल हुआ। बट एज गोवा जब शामिल हुआ इंडिया में तो राज्य बने या यूनियन टेरिटरी बने। 1967 में हुआ रेफरेंडम, मतलब जनमत संग्रह, इट इज टाइप ऑफ डायरेक्ट डेमोक्रेसी। डायरेक्ट डेमोक्रेसी आपको स्विट्जरलैंड में देखने को मिलता है, जनमत संग्रह होते हैं, ठीक है, सॉरी इसमें रेफरेंडम होते हैं, प्लेबिसाइट होते हैं और भी चीजें हैं, ये होता है। तो जनमत संग्रह हुआ, जनमत संग्रह में भैया क्या हुआ कि 1967 में बोला गोवा कि हम यूनियन टेरिटरी रहेंगे दमन दीव के साथ। अच्छा, दमन दीव और यूनियन गोवा, ये दोनों यूनियन टेरिटरी रह गए। बट क्या हुआ कि 1987 को गोवा एक तरह से पूर्ण राज्य का दर्जा मिला 1987 में, 30 मई 1987 में 25th स्टेट ऑफ द इंडिया एज ए गोवा को किया गया। ठीक है, गोवा के बारे में ध्यान रखिए, गोवा में लोकसभा का 2 सीट है, राज्यसभा का 1 सीट है। गोवा पहला राज्य है जहां पे हर घर जल योजना वाला पहला टारगेट पूरा करने वाला 100% गोवा ही था, गोवा ही था। ठीक है, अभी लेटेस्ट में आपको पता होना चाहिए कि पांडिचेरी बना है, चारों का नाम आप कमेंट करके बताइए कौन कौन से 100% हर घर जल योजना वाला काम को किया है जल जीवन मिशन के तहत। अच्छा, गोवा में एक चीज आपको देखने को मिलता है, आर्टिकल 44 इन्फॉर्म सिविल कोड। इन्फॉर्म सिविल कोड क्या होता है कि एक समान नागरिक संहिता, सिविल संहिता मतलब जो आपके पर्सनल लॉ है, पर्सनल लॉ मतलब देखिए हिंदू के अलग मैरिज लॉ है, मुस्लिम के अलग मैरिज लॉ है, क्रिश्चियन के अलग मैरिज लॉ है, तो देश के अंदर अलग अलग धर्मों के अलग अलग मैरिज लॉ हैं, उन सारे मैरिज लॉ हो, डाइवर्स लॉ हो, मतलब पर्सनल लॉ है, उनको सारे को एक एम्बिट के अंदर लाना, मतलब सारा के लिए हम एक रूल बनाएंगे, यूसीसी करेंगे और सब लोग अगर हिंदू भी हो या मुस्लिम भी हो तो सब लोग भैया एक ही मानो, शादी का जो नियम है, डाइवोर्स का नियम है, सबके लिए एक ही होगा। ये इन्फॉर्म सिविल कोड लागू हो है, मात्र है गोवा में ही है और गोवा भी पोर्टुगीज का जो लॉ था उसके अकॉर्डिंग चला है, इसलिए इन्फॉर्म सिविल कोड। हालांकि गोवा में भी कुछ कुछ ऐसे इन्फॉर्म सिविल कोड के कुछ कुछ अगेंस्ट में चीजें हैं, वो हम लोग मेंस में पढ़ेंगे। अच्छा, पार्ट फोर में है इन्फॉर्म सिविल कोड, डीपीएसपी में है, और डीपीएसपी का कहना क्या है भैया कि नॉट इन्फोर्सेबल। डीपीएसपी में क्या, राज्य को जरूरी नहीं कि राज्य बाध्यकारी हैं उन सारे प्रोविजनों को, 36-51 के बीच में जो लिखा हुआ, ऐसा नहीं है कि हम उसको लागू ही करेंगे। आर्टिकल 37 सीधे बोल दिया कि डीपीएसपी इज नॉट इन्फोर्सेबल, फंडामेंटल राइट इन्फोर्सेबल है, फंडामेंटल राइट आपको नहीं मिलेगा तब रिट जारी कर सकते, अब रिट जारी करवा सकते हैं सुप्रीम कोर्ट से, आर्टिकल 32 एंड 226 आर्टिकल हाई कोर्ट। ठीक है, ध्यान रखिएगा कि डीपीएसपी कहां से लिया गया भारत में, आयरलैंड से। आयरलैंड ने कहां से लिया, स्पेन से, स्पेन भी स्पेन से लिया। चलिए,
अभी ध्यान रखिएगा कि गोवा में अभी जो इलेक्ट्रिफिकेशन की मैंने बात किया, सोलर की मैंने बात किया, तो सोलर में सबसे टॉप पर जो सौर ऊर्जा उत्पादन वाला राज्य है वो कर्नाटक है, फिर सेकंड में तेलंगाना है, राजस्थान है। अच्छा, दुनिया का सबसे दुनिया नॉट नॉट दुनिया इंडिया का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर पार्क, तैरता हुआ सोलर पार्क अभी हाल में बना है रामगुंडम तेलंगाना में, रामगुंडम तेलंगाना में एनटीपीसी के द्वारा ये ऑपरेशनल है। अच्छा, दुनिया का सबसे बड़ा कहाँ बनने वाला? ओंकारेश्वर डैम नर्मदा नदी के ऊपर, एमपी में नर्मदा नदी के ऊपर ओंकारेश्वर बांध में बनने वाला है दुनिया का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर पार्क। 600 मेगावाट इसका क्षमता होगा और 2022-23 तक ये हो जाएगा। अच्छा, गोवा में दो नदियां हैं, जुआरी नदियां हैं और मंडोवी, मंडोवी जुआरी और मंडोवी, याद रखिएगा। दूध सागर झरना, दूध सागर फॉल, भगवान महावीर उद्यान, मोलेन नेशनल पार्क, सारा गोवा के अंदर है। अच्छा, गोवा के दो जगह हैं, बॉम जीसस बेसिलिका, बॉम जीसस बेसिलिका एंड चर्च एंड द कन्वेंट ऑफ ओल्ड गोवा। अच्छा, गोवा का जो ओल्ड गोवा है ना, वहाँ बहुत सारे चर्च हैं, पुराने पुराने चर्च हैं। और गोवा में ध्यान रखिएगा कि बॉम जिसली कहाँ चला गया, गोवा का जो बॉम जीसस बेसिलिका है, यहाँ पे बोला जाता है कि जो फ्रांसिस संत जेबियर थे, जो क्रिश्चियन थे, उनका यहाँ पे रिलिक्स रखा हुआ है। तो ये दोनों वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल है, एक चीज को ध्यान रखिएगा। आई थिंक मैंने बहुत सारा चीज में कवर करवा दिया, ठीक है। युवा प्रोग्राम क्या है? युवा प्रोग्राम कुल मिला के ये है कि जो भी यंग ऑथर्स हैं, यंग जो लेखक हैं, उनको मेंटरिंग, उनको उनको इसमें क्या किया जाएगा, उनको ट्रेनिंग दिया जाएगा, उनको मेंटरिंग किया जाएगा, उनको सिखाया जाएगा। अच्छा, युवा प्रोग्राम जो स्टार्ट किया गया है, कुल मिला के ऑथरिंग ऑथर को मेंटरशिप प्रोग्राम है, जिसमें 30 साल से कम के जो ऑथर्स हैं, जो जो किताब लिखना चाहते हैं, जो फिक्शंस लिखना चाहते हैं, नॉवल्स लिखना चाहते हैं, उनको प्रमोट किया जाएगा, उनको सिखाया जाएगा भैया किस तरह से मेंटरिंग किया जाएगा। ये जो इसका देखिए, इसका युवा का फुल फॉर्म क्या है? यंग अपकमिंग एंड वर्सटाइल ऑथर, आने वाले जमाने में बहुत ही वर्सटाइल जो ऑथर बनेंगे, ये प्रोग्राम है युवा। अच्छा, युवा जो प्रोग्राम है ये ध्यान रखिएगा, इसको इंप्लीमेंट करेगा नेशनल बुक ट्रस्ट, नेशनल बुक ट्रस्ट। इसमें देखो, इस प्रोग्राम के तहत क्या है ना कि 75 विनर सेलेक्ट किया जाएगा, 75 विनर को सेलेक्ट किया जाएगा 15 अगस्त 2021 को पूरे ऑल इंडिया से, और 15 अगस्त 2021 को किया जाएगा। और जो इंडिया एजर 75 जो आपका चल रहा है, आज़ादी के 75वें साल इंडिया क्या क्या परिवर्तन आया इंडिया में, तो उसी के तर्ज पे ये 15 अगस्त 2021 को ये 75 विनर को सिलेक्ट किया जाएगा। और ये जब 75 विनर को सिलेक्ट करने के बाद जनवरी 2022 में नेशनल यूथ डे के दिन से इनको वहाँ से फिर मेंटरिंग किया, जो बड़े बड़े ऑथर्स हैं इंडिया में, बड़े बड़े जो ऑथर इंडिया में हैं, जो बहुत नामी गिरामी हैं, वो उनके द्वारा इनको ट्रेनिंग दिया जाएगा। युवा समझ गए होंगे ना, आगे चलते हैं। अच्छा, अभी DGNCC मोबाइल ट्रेनिंग ऐप, कुल मिला के एनसीसी के बच्चों के लिए, जो एनसीसी कर रहे हैं उनको मटेरियल प्रोवाइड होगा, उनको ऑनलाइन क्लासेस मिलेगा, उनको ऑनलाइन ट्रेनिंग मिलेगा अभी कोविड के टाइम। तो ये मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है, किसने लॉन्च किया? इसको लॉन्च किया हमारे वित्त सचिव, सॉरी हाँ रक्षा सचिव, ठीक है, डिफेंस सेक्रेटरी, नॉट वित्त सचिव, हमारे रक्षा सचिव डिफेंस सेक्रेटरी डॉक्टर अजय कुमार, डॉक्टर अजय कुमार। अच्छा, एनसीसी का स्थापना 1950 का एक्ट के थ्रू हुआ। अच्छा, एनसीसी के डायरेक्टर जनरल कौन है? लेफ्टिनेंट जनरल तरुण कुमार एच, लेफ्टिनेंट जनरल तरुण कुमार एच। अच्छा, ऑप्शन देख लीजिए, सुबोध कुमार जायसवाल हैं, उनको अभी ये CISF के भी हेड है, देखिए सुबोध कुमार जायसवाल जो है भैया ये CISF के भी हेड हैं, लेकिन इसको इनको क्या क्या इनको अभी CBI का डायरेक्टर 2 साल के लिए बना दिया गया। CBI का स्थापना 1963 में हुआ है। देखिए, मैं बार बार चीजों को रिपीट करता हूँ क्योंकि आपका दिमाग में घुसते जा, इसलिए वीडियो को स्किप नहीं करना है, ठीक है। देखिए, कुलदीप सिंह के बारे में ध्यान रखिए कि इन ये CRPF के डायरेक्टर जनरल हैं, और इन्हें NIA मतलब नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के भी एडिशनल चार्ज दिया गया है। अच्छा, समंता गोयल कौन है? समंता गोयल और अरविंद कुमार, ये दोनों, समंता गोयल रॉ के डायरेक्टर हैं और ये जो अरविंद कुमार है ये IV के डायरेक्टर है। तो इन दोनों का कार्यकाल 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया। बाकी आपके सामने है नेवी के करमबीर सिंह, आर्मी के मुकुंद रवाने, एयरफोर्स के राकेश भदौरिया और NSG, देखिए नया ये लेटेस्ट है NSG वाला, ठीक है, महत्वपूर्ण है, NSG के MA गणपति, ठीक है। अच्छा, आइए देखिए, BRO बहुत चर्चा में रहता है, डॉक्टर राजीव चौधरी, मतलब ऑलरेडी आपको याद ही सब करना है, बिकॉज मैंने इतना बार बताया है कि आपको याद हो गया होगा, तो इसको पूरा याद कर लीजिए, ठीक है, कोई बड़ा चीज नहीं है।
लैंग्वेज ऑफ ट्रूथ बुक है, एसे 2003 से लेकर 2020, देखिए ये बुक है जो लैंग्वेज ऑफ ट्रूथ, इसमें एसे का कलेक्शन है, ठीक है, एसे का लेख का 2003 से लेकर 2020 तक जितने लेख लिखे गए हैं इसमें लैंग्वेज ऑफ ट्रूथ नाम रखा गया है, सलमान रश्दी ने लिखा। सलमान रश्दी वही है जिन्होंने मिडनाइट चिल्ड्रन का बुक को लिखा था, बहुत फेमस बुक। अच्छा, ये अमिताभ घोष जो है ना, ये इनका बुक है लिविंग माउंटेन, लिविंग माउंटेन। अच्छा देखिए, प्रीत सिंह मलिक जो है, प्रीत मोहन सिंह मलिक, इनका बुक था सिक्किम हिस्ट्री ऑफ इंट्रीग्यू एंड अलायंस, हिस्ट्री ऑफ इंट्रीग्यू एंड अलायंस। बुक किसका भैया? ये बुक है आपका प्रीत मोहन सिंह मलिक। झुंपा लहरी देखिए इंडियन ही है बट यूके में रहती हैं, ब्रिटेन में। इनका किताब है वियर अबॉट, कौन सा किताब है भैया? वियर अबॉट। इनका किताब था जो इटालियन भाषा में लिखी थी इन्होंने, आई एस डब मी ट्रो, मुझे पढ़ना भी नहीं आ रहा, ये इटालियन लैंग्वेज है, आई एस डब मी ट्रो इनका बुक का नाम था। इसी बुक को इन्होंने ट्रांसलेट किया इंग्लिश में और ये बुक का नाम हो गया वेयर अबाउट, झुंपा लहरी। सब महत्वपूर्ण बुक थे, मैंने बता दिया। साइंस वाला है, साइंस वाला देख लीजिए, मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा कि एक हाइबरनेशन होता है कि जिसमें एक जो पशु होता है वो अपने मेटाबॉलिज्म को कम कर देता है जब उनको खाना वाना नहीं मिलता है ठंडा वंडा करने में, जैसे भालू हो गया तो अपने मेटाबॉलिज्म को कम कर देता है और मतलब बहुत दिन तक रह सकता है बिना मतलब भूखे, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो ये कुछ ऐसे जीव हैं जो करते हैं, जैसे बैट है, वियर्स हैं, रोडेंट हैं, आपके सामने ये सारे ऑप्शन है, आप देख लीजिएगा, ठीक है, खत्म करते हैं। अच्छा, इंसेक्टिवायरस कीट भच्छी मछली किसको बोलते हैं? ये मच्छर को खा जाता है, ये मच्छी, इसका नाम है गैम्बुसिया फिश। गैम्बुसिया जो है ना, ये मच्छर को खाता, मलेरिया मच्छर को खा जाता है, इसलिए इसका इस्तेमाल हम लोग करते हैं मलेरिया कंट्रोल में, ठीक है, इसको मॉस्किटो फिश भी बोलते हैं। कंप्लीट हो गया, आगे चलते हैं। कौन सा डिवाइस इलेक्ट्रिक करंट को नापेगा? अच्छा, विद्युत धारा, जब विद्युत धारा बोलेगा तो अमीटर, ठीक है, विद्युत धारा बोलेगा तो अमीटर, इलेक्ट्रिक करंट को मापता है अमीटर, और ये जोड़ा जाता है सीरीज में। अच्छा, इसमें रेजिस्टेंस होता ही नहीं, जीरो रेजिस्टेंस होता है, बहुत ही कम, और जीरो रेजिस्टेंस होगा तो उसको बोलते हैं एक आदर्श अमीटर, आइडियल अमीटर। अच्छा, अमीटर का उल्टा, ये विद्युत धारा नाप रहा है और ये विभवांतर को नाप रहा है, दो टर्मिनल के बीच में जो विभवांतर है उसको नापता है, उसको बोलते हैं वोल्टमीटर, वोल्ट मीटर। अच्छा, वोल्ट मीटर को जोड़ा जाता है पैरेलल में, इसमें रेजिस्टेंस बहुत ही ज्यादा होता है, इसमें रेजिस्टेंस ज्यादा होता है, वोल्ट मीटर और अमीटर में दोनों में अंतर है। अच्छा, एक है वोल्टा मीटर, क्या है? वोल्टा मीटर, जो वोल्टा मीटर है ये भी इलेक्ट्रिक चार्ज को मापता है, किसको मापता है भैया? इलेक्ट्रिक चार्ज को मापता है। देखिए, तो ये इसमें रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा होता है, ठीक है, तो अमीटर एंड वोल्ट मीटर ध्यान में आपको आ गया। देखिए, एक अमीटर का ही समझ लीजिए कि भाई है गैल्वेनोमीटर। अच्छा, गैल्वेनोमीटर जो है ना, इसको पैरेलल में जोड़ा जाता है, ये भी इलेक्ट्रिक करंट को ही मेजर करता है, ध्यान रखिएगा। बट देखिए, अमीटर जो है ना, किसी सर्किट में जोड़ते हैं, आप देखते हैं जो भी सर्किट होता है उसमें जोड़ते हैं, लेकिन गैल्वेनोमीटर का इस्तेमाल हर एक जगह नहीं होता, इसका इस्तेमाल ब्रिज में या तो पोटेंशियोमीटर में होता है। अच्छा, ये जो इलेक्ट्रिक जो आपका जो अमीटर है, ये केवल करंट के मैग्नीट्यूड को मापता है, लेकिन ये स्ट्रेंथ को मापता है और डायरेक्शन को मापता है, और छोटा करंट के लिए गैल्वेनोमीटर का इस्तेमाल करता है। अच्छा, एमीटर एसी और डीसी दोनों को माप लेगा, लेकिन गैल्वेनोमीटर क्या है? केवल डीसी को मापेगा, समझ रहे बात को? वोल्टा मीटर अलग है, वोल्टा में कंफ्यूजन नहीं होना। वोल्टा मीटर ये इलेक्ट्रिक चार्ज को मापता है, किसको मापता है? इलेक्ट्रिक चार्ज को। अच्छा, पोटेंशियोमीटर क्या इसको मापता है? वोल्टेज, वोल्टेज मतलब समझ गए, वोल्टेज कंट्रोल करने के लिए आपके घर में स्टेबलाइजर होगा, उसको ऐठते हैं ना, घुमाते हैं, तो वो होता है पोटेंशियोमीटर। अगर घर में रेडियो होगा तो उसमें जो वॉल्यूम बढ़ाने वाला, वो उसमें पोटेंशियोमीटर लगा होता है। आपके घर में कुछ भी जो जिसमें जहाँ ऐठने वाला साउंड होता है, वो सारे में पोटेंशियोमीटर होता ही है, वो वोल्टेज कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल किया था, समझ रहे बात को? आगे चलते हैं। कर आर्द्रता मापना है, तो देखिए, जब भी आपको आर्द्रता ह्यूमिडिटी मापना है तो उसमें होगा हाइग्रोमीटर से मापा जाता है आर्द्रता। आर्द्रता इट मींस ह्यूमिडिटी। बट अब ये हाइड्रो है, ड्रो मतलब हाइड्रो जब बोल देना, तो ये डेंसिटी को मापता है, ठीक है, ध्यान रखें, रिलेटिव डेंसिटी को मापता है, ठीक है, सापेक्ष घनत्व को मापता है हाइड्रोमीटर, और स्पेसिफिक ग्रेविटी गुरुत्व को भी मापता है कौन? तो हाइड्रोमीटर। हाइग्रो हाइड्रो में कंफ्यूजन नहीं होना, कभी भी नहीं होना, ठीक है।
तो ये आर्द्रता को कौन मापता है? हाइग्रोमीटर। अच्छा, पाइरोमीटर एक तरह का ये यंत्र है जो कि टेम्परेचर को, दूर वाला वस्तु के टेम्परेचर को दूर से ही माप सकता है, ये होता है पाइरोमीटर। पाइरोमीटर जो है 2000 डिग्री सेल्सियस से ऊपर के भी तापमान को ये माप लेगा, मैंने आपको बताया, ठीक है, ये है आपका भैया पाइरोमीटर। लैक्टोमीटर जो है एक तरह का डेंसिटी, दूध के घनत्व को मापता है, कितना पानी है नहीं है, कुल मिला के दूध की शुद्धता को मापने के लिए हम लोग लैक्टोमीटर का इस्तेमाल करते हैं। ये देखिए सवाल क्या था, मैंने इस सवाल को मैं शॉर्ट में बता दूं कि जब भी आप पीरियोडिक टेबल में ऊपर से नीचे आइएगा, टॉप से बॉटम आइएगा, तो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी है, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी मतलब कि इलेक्ट्रॉन बंधुता। अच्छा, इलेक्ट्रॉन बंधुता मतलब कि इलेक्ट्रॉन को गेन करने की क्षमता, इलेक्ट्रॉन को जितना गेन करेगा उसको बोलते हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन से दोस्ती हो जाएगा, तो इलेक्ट्रॉन को गेन करने का जो जो प्रॉपर्टी उसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन बंधुता, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। ऊपर से नीचे आएंगे तो क्या होगा, घट जाएगा, ऊपर से नीचे आएंगे तो घट जाएगा। अच्छा, ऊपर से नीचे जब आएंगे ना तो एटॉमिक रेडियाई जो है, एटॉमिक रेडियाई है वो हमेशा बढ़ता है, ठीक है, ऊपर से नीचे। आपको सामने ये हो गया, ठीक है, ये सवाल का ये सही है लेकिन आर गलत है, सॉरी ये गलत है लेकिन आर सही है, ठीक है, इधर देखिए आगे चलते। अफबाउ प्रिंसिपल क्या होता है ना, अफबाउ प्रिंसिपल कहता है कि जो इलेक्ट्रॉन है सबसे कम एनर्जी वाला ऑर्बिटल को ही पहले पहले उसमें घुसेगा, जहां पर कम एनर्जी होगा इलेक्ट्रॉन पहले पहले वहीं भरेगा। तो SPDF होता है ऑर्बिटल, होते हैं चार ऑर्बिटल, SPDF इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, तो SPDF में जिसमें कम रहेगा उसमें भरते रहेगा। मैंने ये बताया था इसके लिए फॉर्मूला होता है इलेक्ट्रॉन एनर्जी के लिए, एन प्लस ए, एनर्जी निकालने के लिए एल एल सबका वैल्यू होता है, जैसे एस में 0 होता है, पी में 1 होता है, तो जिसमें जितना एनर्जी, जिसमें सॉरी जितमें जितना कम एनर्जी इलेक्ट्रॉन पहले वहीं पे उसी ऑर्बिट को फिल करेगा, और ये प्रिंसिपल कहलाता है अफबाउ प्रिंसिपल। डिटेल से मैंने चर्चा किया था भैया, आप लोग समझ सकते हैं, ठीक है, आगे चलो। हाँ, ये कह रहा है कि एक परमाणु कक्षक, देखिए अफबाउ प्रिंसिपल के बारे में मैंने बताया था, अफबाउ प्रिंसिपल कहता है भैया कि जो इलेक्ट्रॉन है पहले पहले इलेक्ट्रॉन लो एनर्जी ऑर्बिटल को भरेगा, जहां पे कम एनर्जी रहेगा वहीं पे जाकर इलेक्ट्रॉन बच जाएगा। कैसे होगा, इसके लिए एन प्लस एन फॉर्मूला इस्तेमाल किया जाता है, एल वैल्यू होता है SPDF ऑर्बिटल का, एल एस का 0 1 2 3, मैंने बताया था किस तरह से इंक्रीजिंग ऑर्डर में बैठता है, ठीक है, 1s 2s मैंने निकालने के लिए भी सिखाया था यहाँ पर, ठीक है, इस चीज को आप लोग को ध्यान रखना है, ठीक है। अफवाह प्रिंसिपल पर काम करता है, जो इलेक्ट्रॉन की जो कक्षा में भरने का जो है ना, ऑर्बिटल को फिलिंग करने का जो सिद्धांत है वो होता है अफवाह प्रिंसिपल, समझ रहे हैं बात को, आगे चलते हैं। CVDT के अभी मेंबर थे वो जगमोहन विद्याधर मोहपात्रा, जगमोहन विद्याधर मोहपात्रा, उनको अभी हाल में ही CVDT के 3 महीने के लिए चेयरमैन बना दिया गया, ठीक है। प्रकाश चंद्र मोदी जो थे वो रिटायर हो चुके हैं, ये ध्यान रखिएगा। वर्ल्ड मिल्क डे 1 तारीख को मनाते हैं, 1 जून को, लेकिन वही नेशनल मिल्क डे 26 नवंबर को मनाते हैं, ठीक है। WHO का जो अवार्ड मैंने जैसे बताया कि DG का अवार्ड है, स्पेशल रिकॉग्निशन अवार्ड है जो तंबाकू के कंट्रोल के लिए मिला है डॉक्टर हर्षवर्धन को। RBI का रेपो, RBI ने इंडिया के GDP 10.5% बताया, और एशियन डेवलपमेंट बैंक ने 11% बताया 2021 से लेकर 2022 तक के लिए, ठीक है, 2022 से 2023 तक के लिए 7% बताया, ये एशियन डेवलपमेंट बैंक, समझ रहे बात की। अब देखिए इकोनॉमिक रिसर्च डिपार्टमेंट है जो स्टेट बैंक का, उसने अपने इको ब्रैप रिपोर्ट में कहा है भैया कि जो ये GDP इंडिया का है वो 7.5% से लेकर 10.4%, मतलब जो पहले बताया था 10.4%, अब बोला कि अब है 7. हाँ, GDP प्रोजेक्शन फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2022 to 7.9% फ्रॉम द, हाँ वही सब्जी, ठीक है, कि 10.4% पहले बताया था, अब कहा कि अब 7.9% होगा GDP इंडिया का। कौन बताया, तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का ये इको ब्रैप, देखिए इंडिया स्टेट बैंक ने पहले बोला था कि 10.5% होगा, लेकिन 10.4% अब बोला है 7.9% होगा, ठीक है, ये ध्यान रखिए। RBI बोला था 10.5। अभी गोवा ने अभी हाल में लॉन्च किया है गोवा इंस्टीट्यूशन फॉर फ्यूचर ट्रांसफॉर्मेशन गिफ्ट, जैसे नीति आयोग उसी गोवा के अंदर ये गिफ्ट आयोग, ठीक है, मतलब गिफ्ट, तो ये गिफ्ट क्या होगा, गोवा के अंदर जो भी पॉलिसी होंगे सरकार का उसको सही किया जाएगा, उसको सही से किस तरह से पॉलिसी इंप्लीमेंट हो, इस तरह से नीति आयोग बनाती है, उस तरह से गोवा का गिफ्ट भी बनाएगा। ओके, आगे चलते हैं। WHO का जो COVID-19 का जो वेरिएंट इंडिया में है उसका नाम रखा गया है, ध्यान रखिएगा, डेल्टा, उसका देखिए डेल्टा, बस ये ध्यान रखना, B 1.6172, ठीक है,
B.1.617.2 अल्फा बीटा गामा डेल्टा होता है, लेकिन इंडिया के अंदर जो है डेल्टा वेरिएंट है। इंडिया के अंदर कौन सा वेरिएंट है भैया? डेल्टा वेरिएंट है, जो कि वेरिएंट ऑफ कंसर्न है, चिंता का वेरिएंट है। ये बहुत ज़्यादा रूप से फैल रहा है। लेकिन वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है? देखिए, ये जो वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट होता है भैया, वो क्या होता है कि अभी बस फैल रहा है, उतना ज़्यादा नहीं, लेकिन ये वेरिएंट ऑफ कंसर्न है कि लोगों की मौत भी हो रही है। तो ये एक तरह से वायरस का एक तरह से वर्सन समझ लीजिए ना, वायरस एक तरह से वर्सन समझ लीजिए, ठीक है, उसका रूप ही समझ लीजिए। तो इंडिया में जो वो है वो क्या है? कप्पा है। क्या है इंडिया में? कप्पा, जो वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट है, जो कम फैल रहा है, मतलब फैल रहा है बस, लोगों में फैल हो जा रहा है, अभी ज़्यादा लोगों की मौत नहीं हो रही है, ये वाला वेरिएंट है B.1.617। अब इसका सेकेंड वर्सन 0.2 लगा दिए तो वो खतरनाक है, उसको बोलते हैं डेल्टा, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, महत्वपूर्ण है सारे चीज़, ठीक है। मैंने सजग के बारे में बताया कि सजग क्या है, तो सजग एक तरह से कैसा है वेजल है? पेट्रोल वेजल है, मतलब एक तरह से ये क्या करेगा, तो गश्ती करने का था कि सीमा सुरक्षा में काम आएगा, मैरीन पॉल्यूशन को देखेगा, नारकोटिक्स जो होता है सीमा समुद्र के जो रास्ते किनारे जो भी नारकोटिक्स का धंधा होता है, जो उस एंटी नारकोटिक्स को ये करने का मतलब कंडक्ट करेगा, ओके। गश्ती पोते मतलब पेट्रोलिंग वेजल, पेट्रोलिंग करेगा समुद्र के तट को, ध्यान रखिए। इसका नाम क्या है? सजग। सजग क्या नाम है भैया? सजग, ओके, इसी को ध्यान रखिएगा, ठीक है, महत्वपूर्ण है। तो इसको किसने अभी कमीशन किया है इंडियन कोस्ट गार्ड के अंदर? तो आपके अजीत डोभाल, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोभाल ने, अजीत डोभाल ने, ओके। अच्छा, इसको बनाया कौन है? गोवा शिपयार्ड लिमिटेड। किसने बनाया? गोवा शिपयार्ड लिमिटेड, ठीक है, गोवा शिपयार्ड लिमिटेड बनाया है, इस चीज को ध्यान रखिएगा, ठीक है। आगे देखिए, इंडियन कोस्ट गार्ड का स्थापना 1978 में हुआ था, अभी डायरेक्टर जनरल है के नटराजन, के नटराजन। INS ध्रुव का नाम VC-1184 था, एक तरह से सेक्रेट रूप से काम कर रहे थे, लेकिन अब पता चल गया, मतलब इंडियन सरकार ने रिवील कर दिया कि हम INS ध्रुव है, जो बहुत ही हैवी सर्विलेंस है, एक तरह से इसके अंदर जो रडार लगा है वो एरे रडार है, एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली एरे रडार, मतलब एक साथ बहुत सारे निशानों पर ये कहने का नजर रख सकती है, ऐसा रडार, क्या नाम है? AESA, ऐसा रडार, ठीक है। इसको बनाया हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड विशाखापट्टनम वाला, हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड बनाया INS ध्रुव को। इसका काम है भैया कि सैटेलाइट को ट्रैक कर लो, कोई किसी अगर दुश्मन का सैटेलाइट है या दुश्मन का कोई मिसाइल है, उसको ये सीधे ट्रैक कर लेगा, ठीक है। अभी हाल में ही आपको पता INS राजपूत है, जिसको रिटायर कर दिया गया है, 4 मई 1980 को ये इंडिया में शामिल हुआ था, और 2021 को इंडिया से 21 मई से इंडिया से बाहर हो गया, मतलब कहने का मतलब कि अपना इसको रिटायर कर देगा, ठीक है, इंडियन नेवी ने इसको रिटायर कर दिया, ओके। रशिया ने बनाया था इसको, ये पहला विध्वंसक था, फर्स्ट डिस्ट्रॉयर था इंडिया का, ठीक है, बट इसको बनाया था रशिया ने, ओके। इसको विशाखापट्टनम में डिसकमीशन किया गया। देखिए INS विराट के बारे में ध्यान रखिएगा, ये इसको ध्यान रखिए, इसको जो INS विराट है ये अभी हाल में ही इसको गुजरात में इसको रिटायर किया गया, ठीक है, इसको ये भी 40 ईयर एटलीस्ट सर्विस इन्होंने भी दिया INS विराट ने, ओके। ये ब्रिटेन का बनाया हुआ था, INS विराट ब्रिटेन का बनाया हुआ था, इसको बोलते हैं ग्रेट ओल्ड लेडी बोलते हैं, ग्रेट ओल्ड लेडी बोलते हैं, ठीक है, ध्यान रखिए, ग्रेट ओल्ड लेडी बोलते हैं इसको, ठीक है, इसी को ध्यान रखिएगा, INS विराट। तो INS विराट का हो गया। अभी देखिए INS ध्रुव को शामिल करने के साथ इंडिया बन गया था P5 से ज़्यादा, P5 मतलब ये ऐसे ऐसे कंट्री हैं, US, UK, चाइना, रशिया, फ्रांस, इसके बाद इंडिया के पास ये वाला फैसिलिटी है सर्विलेंस का जो है, ठीक है, इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। वज्र है, जिसको चेन्नई में अभी हाल में शामिल किया गया, L&T कंपनी ने इसको बनाया था, सब कंप्लीट मैंने कर दिया यहाँ से, अगर आपने 2-3 बार वीडियो को देखा होगा, एटलीस्ट मैं 4-5 बार तो मैं करवा ही दिया, याद हो गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर, नेक्स्ट सवाल हमारा क्या है? नेक्स्ट सवाल हमारा है, हाँ सेम चीज, बाल सहायता योजना बोलेगा तो क्या कहिएगा आप लोग? बाल सहायता योजना, सहायता करना है तो बिहार करेगा, सेवा करना है तो यूपी करेगा और हरियाणा करेगा, ठीक है। तो हरियाणा में हरियर स्कीम भी लॉन्च है, हरियाणा में संजीवनी योजना भी लॉन्च है, उत्तराखंड में वात्सल्य योजना है। वात्सल्य योजना में क्या है भैया कि 3,000 रुपये पर महीना देंगे कई साल तक, और 5% होरिजेंटल रिजर्वेशन भी देंगे, ठीक है, होरिजेंटल रिजर्वेशन भी देंगे उनके उनके बच्चे जो COVID-19 उनके माता पिता जिनके COVID-19 में डेथ हो गया है, तो उन बच्चों को, ठीक है। वात्सल्य योजना बिहार वाला 1500 रुपये महीना देंगे बच्चों लड़कियों को, कस्तूरबा विद्यालय में पढ़ाएंगे, ये कंडीशन है, ठीक है। जम्मू कश्मीर ने सुपर 75 स्कॉलरशिप लॉन्च किया है, ओके। तेजस्विनी स्कीम भी जम्मू कश्मीर ने ही लॉन्च किया है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं,
अभी हाल में टेनिस प्लेयर हैं नोआमी ओसाका ने बोला कि हम फ्रेंच ओपन नहीं खेलेंगे, क्योंकि फ्रेंच ओपन ऑलरेडी खेल रही थी, लेकिन इनको ऊपर फाइन लगा दिया गया फ्रेंच ओपन के द्वारा $15,000 का। पैसे की बात नहीं है, फाइन लगाने से कोई दिक्कत नहीं, बट क्या हुआ कि इन्होंने मीडिया को फेस नहीं किया था, इन्होंने पब्लिक को फेस नहीं किया था, इन्होंने मीडिया को फेस नहीं किया, बोला कि हम मीडिया के सामने नहीं बोलेंगे, हम बात नहीं करेंगे मीडिया से, बिकॉज थोड़ा मैं मेंटली प्रॉब्लम हो जाता है। बट इस चीज़ को अच्छा नहीं लगा फ्रेंच ओपन को, बोला मीडिया से क्यों नहीं बोला, इससे फ्रेंच ओपन ने 15,000 का लगा दिया फाइन। इससे इनको पता नहीं क्या हुआ, इन्होंने अपना नाम मतलब कहने मतलब कि आगे जो खेल था उस खेल को नहीं खेलेगी, ठीक है, मतलब फ्रेंच ओपन को नहीं खेलेगी। फ्रेंच ओपन का एक और नाम है रोनाल्ड गैरोस 2021, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। देखिए कुछ ग्रैंड स्लैम है, ऑस्ट्रेलियन ओपन हार्ड कोर्ट पे खेला जाता है, ये चार ग्रैंड स्लैम है जो एक साल में खेले जाते हैं। फ्रेंच ओपन क्ले कोर्ट में खेला जाता है, विंबलडन ओपन ग्रास कोर्ट में खेला जाता है, यूएस ओपन हार्ड कोर्ट में खेला जाता है। सारे चीज महत्वपूर्ण है, ठीक है, ओके। ऑस्ट्रेलियन ओपन हार्ड कोर्ट, फ्रेंच ओपन क्ले कोर्ट, विंबलडन ओपन ग्रास कोर्ट, यूएस ओपन हार्ड कोर्ट, शुरू वाला और लास्ट वाला हार्ड कोर्ट, ये अल्फाबेटिकली याद रखना, AFW, अफबू अफबू, खाली बस यहाँ पर यू पहले आना चाहिए था, लेकिन हमने यहाँ पर पहले डब्ल्यू वाला होता है, मतलब विंबलडन ओपन पहले होता है, सबसे लास्ट में यूएस ओपन होता है, सबसे पहले ऑस्ट्रेलियन ओपन होता है, ये ध्यान रखें, पहले ऑस्ट्रेलिया तब सबसे लास्ट में यूएस, बीच में फ्रेंच और विंबलडन, ये सारे याद रखने। 2021 वाला जो ऑस्ट्रेलियन ओपन हुआ है जनवरी में, वो जीता है, मेन वाला जीता है नोवाक जोकोविच, सर्बिया के हैं, और महिला वाला जीता है नोआमी ओसाका, जो कि जापान की है, ठीक है, जापान की। राफेल नडाल स्पेन का है, लॉरियस स्पोर्ट मैन ऑफ द ईयर 2021 राफेल नडाल, लॉरियर स्पोर्ट वुमन ऑफ द ईयर 2021 नोआमी ओसाका, ये दोनों अवार्ड मिल चुका है दोनों को, ठीक है। WTA रैंक में वुमेन में टॉप वन पे है ये नोआमी जोका नोआमी ओसाका, नोवाक जोकोविच सर्बिया के हैं, रोजर फेडरर स्विट्जरलैंड के हैं। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, ओके। तो नेक्स्ट सवाल हमारा है कि MBTECH को किसने बनाया। MBTECH एक तरह का डिवाइस है, USB डिवाइस है, आप देख सकते हैं, इंडिया का पहला इंडिजिनियस स्वदेशी निर्मित है। ये टेम्परेचर के डाटा को लॉगर करेगी, मतलब जो टेम्परेचर होगा अगर एक टाइम पीरियड का टेम्परेचर को, ये डाटा को स्टोर करेगी, और ये कोल्ड चैन मैनेजमेंट में बहुत हेल्प करेगा। इट मीन्स ये हुआ कि जब भी कोई भी ऐसा सामान जो कि एक निश्चित टेम्परेचर पर रहता है, अगर उसके बाद अगर उसको टेम्परेचर बढ़ जाए तो वो सामान खराब हो सकता है, तो उस तरह के चीज़ों के लिए बहुत यूजफुल है कि वहाँ पर उस चीज़ उसको रखा जाएगा, फिर वहाँ के पूरे डाटा को ये कहने का मतलब कि कलेक्ट करेगा, कितना टेम्परेचर कब रहा, कितना टेम्परेचर कब गया, तो इससे क्या होगा, जो भी पेरिसिबल मटेरियल्स हैं, जितने भी जल्दी खराब हो जाने मटेरियल हैं, वहाँ पर ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा, ठीक है। इसमें एक ऐसा भी है कि आप टाइम लिमिट सेट टेम्परेचर लिमिट सेट करके रख दीजिए, अगर उससे अगर टेम्परेचर बढ़ा या उससे कम हुआ टेम्परेचर, तो वो ऑलरेडी इसमें अलर्ट होने लगा, ठीक है। इसको बनाया है IIT रोपर ने, ये ध्यान रखिए, बस इसको बनाया है किसने, IIT रोपर ने बनाया, ठीक है। MBTECH, MBTECH क्या है एक तरह का, तो आप बोलिएगा इसको, एक तरह का ये डाटा लॉगर है, कैसा है, डाटा लॉगर है, ठीक है, टेम्परेचर डाटा लॉगर, सबसे महत्वपूर्ण चीज, टेम्परेचर डाटा लॉगर कहाँ इस्तेमाल होगा, कोल्ड चेन मैनेजमेंट में, ठीक है, कोल्ड चेन मैनेजमेंट में, चीज आपको ध्यान रखिए। देखिए आगे इसका अगर अगर हम बात करें, तो एक बार चार्ज करने के बाद ये 90 डे चलेगा, और इसका रेंज है -40 से लेकर +80 डिग्री सेल्सियस तक, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, ठीक है। देखिए IIT रोपड़ ने बनाया है, और ये पहला टाइप का, ये फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड, में तो कहना है इंटरनेट ऑफ थिंग्स डिवाइस है, जो रियल टाइम एम्बिएंट टेम्परेचर को रिकॉर्ड करेगी, ठीक है। जब भी कोई ट्रांसपोर्टेशन होता है पेरिसिबल प्रोडक्ट का, या वैक्सीन का, या कोई भी बॉडी के ऑर्गन का, ठीक है, तो वो टेम्परेचर को उस तरह से मतलब कहने का मतलब कि रिकॉर्ड करके रखेगा कि क्या टेम्परेचर रहा आने टाइम में, कब टेम्परेचर कम गया, तो हो सकता है वो प्रोडक्ट खराब भी हो सकता है। इसको बनाने के में पीछे जो हाथ है वो है अवध का, मीन्स एग्रीकल्चर एंड वाटर टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट हब, ये एक IIT रोपड़ का ही एक संस्थान है, ध्यान रखिएगा। तो अब एक तरह IIT रोपड़ का है, इस्टेब्लिश किया गया है डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ठीक है, DST के सपोर्ट से किया गया है, और साइंस एंड इंजीनियरिंग रिसर्च बोर्ड SRB के सपोर्ट है, ठीक है, SERB और डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी DST दोनों के सपोर्ट से IIT रोपड़ के अंदर रिसर्च सेंटर बनाया गया है अवध, ठीक है, इसने इसको विकसित किया है MBTECH को, ठीक है। ये देख सकते हैं पेरिसेबल आइटम जैसे वेजिटेबल्स हो गए, मीट्स एंड डायरी प्रोडक्ट होगा, इसके अलावा एनिमल सीमेंस को भी ट्रांसपोर्ट के समय उसके टेम्परेचर उसमें भी हेल्पफुल होगा, ठीक है,
COVID-19 जो वैक्सीन है अभी से ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है वो बाहर से आ रहा है, ठीक है, फॉरेन से, तो उसमें टेम्परेचर होना चाहिए, कितने टेम्परेचर के अंदर ये वैक्सीन होना चाहिए, तो उसको ये डाटा, ये जो एम्बियंट जो रिकॉर्ड करेगा वो बताएगा कि नहीं इतना आने समय में इतना ही टेम्परेचर रहा, तो ये प्रोडक्ट सेफ है। ओके, चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। कह रहा है कि नैनो यूरिया क्या है? नैनो यूरिया जो है आप एक तरह का लिक्विड है, ध्यान रखें नैनो यूरिया एक तरह का लिक्विड है। अगर 500 ml नैनो यूरिया है और 50 kg एक बोरा अगर यूरिया है जो हम लोग कन्वेंशनल यूरिया इस्तेमाल करते हैं, पारंपरिक यूरिया खाद, तो दोनों मतलब बराबर है, 500 ml और 50 kg बराबर है। इस नैनो यूरिया को विकसित किया है इफ्को ने, नैनो यूरिया 80% ज़्यादा इफेक्टिव है, बट वही हम देखते हैं जो हम लोग जिस यूरिया का इस्तेमाल करते हैं वो 30-40% इफेक्टिव था। देखिए इसको लॉन्च किया इफ्को द्वारा, डेवलप किया इसको नैनो यूरिया को, नैनो वायर टेक्नोलॉजी रिसर्च सेंटर कलोल गुजरात, ठीक, इसी को ध्यान रखें, नैनो वायर टेक्नोलॉजी रिसर्च सेंटर कलोल गुजरात, ठीक है। ये पहला स्वदेशी रूप से विकसित है और ये ज्यादा प्रभावशील है हमारे पारंपरिक यूरिया से, तो बोथ 1 और 2 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं, इसमें से कौन सा उप परमाणिक नहीं, उप परमाणिक का मतलब होता है कि सब एटोमिक नहीं होना चाहिए, मतलब कि एक एटम है, अगर एटम को हम देखते हैं तो एटम 3 न्यूट्रॉन प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन उसके अंदर होता है, ठीक है। तो यही बोला कि उप परमाणिक कौन नहीं है, इसमें न्यूट्रॉन नहीं होगा, ठीक है, न्यूट्रॉन नहीं होगा क्योंकि ये तीनों एटम के अंदर होते हैं, न्यूट्रॉन प्रोटॉन एंड द इलेक्ट्रॉन, दे आर सब एटॉमिक पार्टिकल ऑफ द एटम, ओके, बट न्यूट्रॉन ये नहीं होगा, ठीक है। न्यूट्रॉन को बाहरी जल बोलते हैं, मंदक के रूप में इस्तेमाल होता है आपके न्यूक्लियर रिएक्टर में, आपको पता होना चाहिए। न्यूक्लियस कहाँ रहता है, न्यूक्लियस में क्या होता है, परमाणु के नाभिक में आपको पता होना चाहिए P+N होता है, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन होता है। न्यूक्लियस है जो आप ध्यान रखें, इलेक्ट्रॉन जो है उसके चारों तरफ घूमते रहता है, न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन है जो घूमते रहता है, ठीक है। प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन निगेटिवली चार्ज होता है, मैंने ये बताया था आपको। करा कि जब भी अगर मरकरी का जो लेवल है बैरोमीटर के अंदर, देखिए बैरोमीटर के अंदर मरकरी ही इस्तेमाल होता है, ध्यान रखें मरकरी, ओके, थर्मामीटर के अंदर भी मरकरी का इस्तेमाल होता है। तो देखिए ये जो मरकरी का अगर पारा तो अचानक ध्यान रखें अचानक अगर गिर जाए तो इट मीन्स तूफान आने वाला, स्टॉर्मी वेदर, जो वेदर आने वाला है वो बहुत ही तूफान उफान वाला आने वाला है, तो ये स्टॉर्म का सूचक है, ठीक है, ध्यान रखिएगा जब भी अचानक गिर जाए। तो अगर यही अचानक मतलब स्पीड में उठने लगे, इसका जो जैसे मान लेते अगर बैरोमीटर हमने बना दिया, ठीक है, बैरोमीटर मैंने बना दिया, इसका अगर अगर उठने लगा अचानक स्पीड में, तो समझिए कि जो मौसम है वो जो आसमान है वो साफ रहेगा और हवा है जो स्टेबल रहेगी। अगर इसमें कुछ भी हलचल नहीं हो रहा है डेट मीन्स कि मौसम बहुत ही फाइन है, इस चीज़ को ध्यान रखिए, ठीक है। तो योगा स्टर्म, तो बैरोमीटर से क्या हम लोग मापते हैं, एटमोस्फेरिक प्रेशर मापते हैं, ठीक है, इसी को ध्यान रखिएगा, ओके। अब देखिए कर 1500 डिग्री से ऊपर का तापमान मापना है तो हम किसका इस्तेमाल करेंगे, देखिए 1500 डिग्री से ऊपर का तापमान अगर आपको मापना है तो इसके लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं पायरोमीटर का, किसका, पायरोमीटर, पायरोमीटर का रेंज है 46 डिग्री सेल्सियस से लेके 4000 डिग्री सेल्सियस, 46 डिग्री सेल्सियस लेके 4000 डिग्री सेल्सियस। और भी हमारे हैं क्लिनिकल थर्मामीटर जिसका इस्तेमाल हम लोग करते हैं 35 से लेके 42 डिग्री सेल्सियस तक, ओके, जो हम लोग मेडिकल में इस्तेमाल करते हैं। देखिए TCT एक थर्मामीटर होता है जो 200 डिग्री से लेकर 1260 डिग्री तक करता है टेम्परेचर को, और PRT जो होता है वो 200 से लेकर 600 डिग्री, सारे महत्वपूर्ण हैं, इसमें जितने भी हैं सारे एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, इसको ध्यान रखिएगा आप लोग। अमीबा कैसे रिप्रोड्यूस होता है, अमीबा रिप्रोड्यूस होता है आपका फ्यूजन के द्वारा, विखंडन के द्वारा, दैट इज बाइनरी फ्यूजन, अमीबा जो रिप्रोड्यूस होता है वो बाइनरी फ्यूजन के द्वारा रिप्रोड्यूस होता है। और जितने भी यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म हैं, जितने भी एक कोश के जीव है, वो सारे असेक्सुअल मेथड से ही रिप्रोड्यूस होते हैं, इस चीज़ को आपको पता होना चाहिए। तो बोथ ए एंड आर आर इंडिविजुअली करेक्ट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, ओके। ऑक्टोपस क्या है, ऑक्टोपस एक तरह का प्रीडेटर है और इसको डेविल फिश भी बोलते हैं, ये मोलस्का फाइलम से बिलोंग करता है, आप देख सकते हैं फाइलम मोलस्का से बिलोंग करता है, और किंगडम बोले तो इनिमेलिया से बिलोंग करता है, ठीक है। और क्लास अगर बात करें तो सेलोकोफोडा, ठीक है, तो ये मोलस्का से बिलोंग करता है, कौन, ऑक्टोपस, ऑक्टोपस देख रहे हैं आपको सामने यहाँ पे इमेज दिखाई पड़ रहा है, ये है ऑक्टोपस, ओके। चलते हैं आगे, प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद ने अपॉइंट किया है अरुण कुमार मिश्रा को एज ए नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के चेयरमैन, ठीक है, ह्यूमन राइट कमीशन के चेयरमैन नियुक्त किया गया है, किनको, रामनाथ कोविंद को। देखिए ये जो चेयरमैन नियुक्त होते हैं आपके नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन का, इसको हम आगे भी डिस्कस कर रहे हैं जस्ट, ठीक है, ध्यान रखिएगा।
एमपी में अंकुर योजना स्टार्ट किया गया। अंकुर योजना मैंने कल के करंट अफेयर में मैंने इसको डिस्कस किया था। अंकुर योजना क्या होता है कि एक तरह का ऐसा योजना है कि जिसमें मानसून के टाइम जो जो नागरिक मध्य प्रदेश के अंदर अगर आप लगाते हैं पेड़ को तो उनको सम्मानित किया जाएगा। पूरे इस मानसून पीरियड में जो जो मध्य प्रदेश के जितने भी नागरिक हैं जो भी अगर पेड़ लगाते हैं तो उनको सम्मानित किया जाएगा। ये बहुत ही अच्छा है, एक तरह से इनिशिएटिव है आपके इन्वायरमेंट को देखते हुए। तो जैसे कि आपको पता है कि वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे था 5 जून को, तो उस चीज़ के लिए ही इसका स्टार्ट किया गया अंकुर योजना। आईसीएमआर ने अप्रूव किया हाल में पैन वायो COVID-19 किट, दूसरा किट है, दूसरा किट है रैपिड टेस्ट किट इसको बोल सकते हैं, ठीक है। तो दूसरा किट का क्या नाम है, पैन वायो COVID-19, इसको आईसीएमआर ने अप्रूवल दे दिया है। ये डेवलप किया गया अबोट रैपिड डायग्नोस्टिक डिवीजन शिकागो के द्वारा, ठीक है। तो पहला क्या था हमारा, कोवी सेल्फ टेस्ट किट, और सेकंड कौन हमारा, पैन वायो COVID-19। देखिए यूनियन एग्रीकल्चर मिनिस्टर जो है नरेंद्र सिंह तोमर ने लॉन्च किया है एक प्रोग्राम, उसका नाम है सीड मिनी किट प्रोग्राम। मतलब इसमें हाइब्रिड सीड, कौन सा, तिलहन, दलहन और तेलहन, ऑयल सीड एंड द पल्सेज, इनके हाइब्रिड सीड को किसानों के बीच में बांटा जाएगा। ये प्रोग्राम का नाम है सीड मिनी किट प्रोग्राम। नासा ने बोला है कि हम वीनस पे, शुक्र ग्रह पर दो अपने रोबोटिक मिशन को भेजेंगे, वो है दविंसी प्लस एंड द वेरिटाज। दविंसी प्लस एंड द वेरिटाज, मैंने 3 से 4 बार मैंने इसको रिपीट कर दिया हूं, तो ये आपको याद हो जाना चाहिए, ठीक है। आगे चलते हैं, कह रहे सीईओ और एमडी कौन होंगे टाटा स्टील के, जिन्हें बनाया गया अभी हाल में ही सीआईआई के प्रेसिडेंट, ठीक है। सीआईआई एक इंडस्ट्रियों का संस्था है, ध्यान रखिएगा। सीआईआई का स्थापना 1895 में हुआ। ये सस्टेनेबल इन्वायरमेंट क्रिएट करता है इंडस्ट्री के बीच में, और जो इंडिया के डेवलपमेंट में सपोर्ट करे और इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ को प्रमोट करे, मतलब इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ने में हेल्पफुल हो। ये एक तरह का समूह है, एक तरह का, ये एक तरह का समझिए कि सम्मेलन, असेंबली है, कन्फेडरेशन ऑफ द इंडियन इंडस्ट्री। और इसके भी जो एमडी बने हैं, सॉरी इसके जो प्रेसिडेंट बने हैं, वो बने हैं टीबी नरेंद्र। टीबी नरेंद्र अभी टाटा स्टील के एमडी भी हैं और सीईओ भी हैं। अच्छा, संजीव कुमार कौन, संजीव कुमार हमारे एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के चेयरमैन है। समंता गोयल के बारे में मैंने 5 बार बोला, राव के कार्यकाल इनका 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया। समंता गोयल और अरविंद कुमार जिनका आईबी का कार्यकाल 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया, ये आप लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है। पीसी मोदी रिटायर हो चुके हैं, सीबीडीटी के चेयरमैन थे, अब इनके जगह पर जो आए हैं उनका नाम है जगमोहन विद्याधर पात्रा, ठीक है। जगमोहन विद्याधर पाटा 3 महीने के लिए अभी सीबीडीटी के चेयरमैन है। सीबीडीटी सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेज, स्थापना 1944 में। देखिए सुबोध कुमार जायसवाल सीआईएसएफ हैं अभी डीजी के, और इन्हें अभी बनाया गया सीबीआई का डायरेक्टर फॉर 2 ईयर। सीबीआई का स्थापना 1963 में हुआ था। सीबीआई एक वैधानिक संस्था नहीं है, नॉन स्टेटरी बॉडी है, इस चीज को आप लोग को ध्यान रखना है, ठीक है। अरविंद कुमार के बारे में जस्ट बताया, आईबी फॉर 1 ईयर। टीबी सोमानाथन ने हमारे फाइनेंस सेक्रेटरी हैं। मैं इन चीजों को इतना बार रिपीट कर दिया, इतना बार रिपीट कर दिया हूँ कि आपके दिमाग में सारी चीजें घुस जाने चाहिए, ठीक है। तो ये फाइनेंस सेक्रेटरी है हमारे टीबी सोमानाथन, ओके। जितना भी मैंने सेक्रेटरी था, मैंने इसका एक पीडीएफ दिया था आपको, उसमें सारे सेक्रेटरी का भी था एक करेंट अफेयर में, तो सेक्रेटरी को हमेशा देखते रहे कौन कौन से सेक्रेटरी हैं। देखिए WHO के द्वारा अवार्ड दिया गया है हमारे हमारे स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन सिंह को, कौन सा अवार्ड है, WHO का डायरेक्टर जनरल डीजी स्पेशल रिकॉग्नाइजेशन अवार्ड, ठीक है। डीजी स्पेशल रिकॉग्नाइजेशन अवार्ड, ठीक है, ध्यान रखिएगा। ये क्या हो गया, ओके चलिए, ये हो गया हमारा। अच्छा, ये अभी हाल में क्यों दिया गया अवार्ड, क्योंकि इन्होंने टोबैको कंट्रोल को लेकर बहुत ज्यादा काम किया, तंबाकू नियंत्रण पर इन्होंने बहुत ज्यादा काम किया है, तो ये ध्यान रखिए। तो अभी हाल में वर्ल्ड नो टोबैको डे मनाया गया है 31 मई को, 31 मई को मनाया गया वर्ल्ड नो टोबैको डे। अच्छा, इसमें सारे ऑप्शन है। तहरा कुतुबद्दीन, देखिए ये पहली ऐसी भारतीय महिला है जिन्हें पुरस्कार मिला है शेख जैयद बुक अवार्ड, या तो उसको बोलते हैं अरब की दुनिया का नोबेल प्राइज। इनके बुक का नाम है अरबिक ओरेशन एंड आर्ट एंड द फंक्शन। देखिए श्यामला गणेश के बारे में ध्यान रखिएगा, ये इनको मिला है जापान ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन। अच्छा, जापान ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन किसको मिलता है, जो जो जापान के कल्चर, लैंग्वेज, उनके
ठीक है, उन चीज़ों को प्रमोट करें जो टीचर, उनको ये मिलता है। तो इस सामला गणेश एक जापनीज टीचर हैं जो बेंगलोर में हैं, और इन्होंने जापान के कल्चर और लैंग्वेज को लेकर बहुत ज़्यादा काम किया है, और जापान जापनीज लैंग्वेज पढ़ा भी रहे बहुत दिनों से बेंगलोर में, तो इसलिए इन्हें अवार्ड मिला है। ठीक है, देखिए मैग्रिटा लूना रोमांच और जस्टिस गीता मित्तल, दोनों के बारे में ध्यान रखिए, इनको दोनों को एक अवार्ड मिला। देखिए जस्टिस गीता मित्तल पहले जम्मू कश्मीर की चीफ जस्टिस रह चुकी है, और ये है इंडिया की, ध्यान रखिएगा। मार्गरिटा लूना रोमांच के बारे में, ये मैक्सिको की है, ये भी जस्टिस ही है, ध्यान रखिएगा। ये जो अवार्ड मिलता है दिया जाता है इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ वुमन जज, जो भारतीय सॉरी जो इंटरनेट जो भी इंटरनेशनल लेवल पर जितने भी महिलाएं जज हैं उनका एक एसोसिएशन है, उनके द्वारा जो भी महिलाएं इस क्षेत्र में जो अच्छा काम करती है, इट मीन्स जो कि आपके जजमेंट के क्षेत्र में, ठीक है, तो उनको ये अवार्ड मिलता है। कौन अवार्ड? एयरलाइन पैच ग्लोबल विजन अवार्ड, एयरलाइन पैच ग्लोबल विजन अवार्ड किसको मिला इस बार? मार्गरेटा लूना रोमांस एंड जस्टिस गीता मित्तल, इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। आपको पता होना चाहिए CSIR और NCL, नेशनल केमिकल लेबोरेटरी, और नेस्ट एक नया टेक्निक लॉन्च किया है, एक नया टेक्निक को बनाया है, वो है टेक्निक स्वास्तिक। ये स्वास्तिक टेक्निक क्या करेगा? पानी को नेचुरल ऑयल के जरिए, और भी कुछ ट्रेडिशनल जो चीज़ें पहले पानी को साफ करने के लिए इस्तेमाल किया जाता था उनके जरिए वाटर को डिसइन्फेक्ट, मतलब वाटर को जो वाटर के अंदर जितने भी वाटर बॉन्ड जिनके मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं जिनके चलते वाटर बॉन्ड डिजीज होते हैं उनको ये खत्म करेगा। तो ये तरीका है स्वास्तिक तरीका, क्या नाम है इसका? नाम है स्वास्तिक। ओके, जिसको ध्यान रखिएगा, बस इतना ही ध्यान रखना कि स्वास्तिक इसका नाम है। अच्छा, डिपकोवैन क्या था? कोविड का टेस्ट किट था जो DRDO ने विकसित किया था। अच्छा, DRDO और डॉक्टर रेड्डी ने एक और चीज विकसित किया था, वो है 2-Digit Drug। 2-Digit Drug है जो कोविड में काम दे रहा है। ठीक है, लिटिल गुरु के बारे में जानिए आप, संस्कृत का गेमिफाइड लर्निंग ऐप है। ओके, बांग्लादेश में भी इसको लॉन्च किया गया। सांस अभियान न्यूमोनिया के रोकथाम को लेके MP में, देखिए जितना भी ये वीडियोज है इस वीडियो कम से कम 1.5 के स्पीड में देखिएगा, तो क्योंकि मैंने ऑलरेडी मैं इसके बारे में बहुत ज़्यादा डिस्कस किया हूँ डिटेल में, तो 1.5 के स्पीड में आराम से देख सकते हैं, तो आपका जो भी है जल्दी जल्दी सारा चीज़ रिविजन हो जाएगा। ठीक है, दुनिया का पहला H10N3 का केस आया है बर्ड फ्लू का, कहाँ पे आए? तो ये चाइना में आए। देखिए H10N3 एक तरह का बर्ड फ्लू का ही है, बर्ड फ्लू के बहुत सारे वेरिएंट है, H1N1, H5N1। देखिए जो H1N1 है उसको बोलते हैं हम लोग स्वाइन फ्लू। ठीक है, स्वाइन फ्लू, ठीक है, H1N1 है जिसको क्या बोलते हैं? स्वाइन फ्लू। अच्छा, H5N1 किसके, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? एवियन इन्फ्लुएंजा, या जो कॉमनली बर्ड फ्लू होता है मुर्गियों में वो है H5N1। H1N1 क्या? हमारा स्वाइन फ्लू। देखिए USA के बारे में थोड़ा सा फिर से रिविजन कर लेते हैं। मार्स 2020 मिशन गया जिसमें परसिवरेंस रोवर गया और इंजीन्यूटी हेलीकॉप्टर गया, ठीक है, मंगल ग्रह पर। अच्छा, अभी कह रहा है USA कि हम वाइपर रोवर भेजेंगे जो चंद्रमा के, ध्यान रखिए, चंद्रमा के पर पानी और आइस का खोज करेगा, दक्षिणी चंद्रमा के दक्षिणी हेमिस्फेयर में। ठीक है, ध्यान रखिएगा, तो यह है वाइपर। चाइना का रोबोट अभी मार्स पर गया था मिशन, मिशन का नाम था तियानमिन प्रथम, एंड जो रोवर है उसका नाम रखा है झुरोंग रोवर। कैसा? झुरोंग रोवर। आगे चलते हैं, देखिए इंटरनेशनल डे फॉर प्रोटेक्शन ऑफ द चाइल्ड, ये मनाया जाता है 1 जून को। कब मनाया जाता है? 1 जून को। क्यों मनाया जाता है? कि जो बच्चे हैं उनको एजुकेशन मिले, उनके 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 राइट को प्रोटेक्शन मिले। ठीक है, तो ये 1954 में UN का रेजुलेशन पास हुआ था, उस दिन से 1 जून को हमेशा इंटरनेशनल डे फॉर प्रोटेक्शन ऑफ द चाइल्ड मनाया जाता है। देखिए हमारे संविधान के अंदर आर्टिकल 21A एंड आर्टिकल 45 राइट टू एजुकेशन की बात करता है बच्चों के लिए। ठीक है, जिसको आप लोग ध्यान रखिएगा। और आर्टिकल 23 में कहता है फोर्स लेबर और ह्यूमन ट्रैफिकिंग है जो ये इलीगल है, इट मीन्स है कि आप किसी को जबरदस्ती काम बलात् श्रम, जैसे पहले बंधुआ मजदूरी था, ठीक है, फोर्स ह्यूमन ट्रैफिकिंग मतलब मानवों का दुर्व्यापार, ये सब चीज़ें आप नहीं कर सकते हैं, ये आर्टिकल 23 आपको बोलता है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। ठीक है, फंडामेंटल राइट आपके भाग 3 आर्टिकल 12 से 35। ओके, आर्टिकल 24 क्या कहता है? आर्टिकल 24 कहता है कि 6 से 14 साल के बच्चे हैं उनसे आप चाइल्ड लेबर मतलब बाल श्रम नहीं करा सकते। बी बी मैंने टिप करता है, बी एंड बी
बी फोर आपका हो गया फोर्स लेबर बलात् श्रम एंड हेयर इज बी फोर बाल श्रम, पहले जबरदस्ती काम कराएंगे फिर सेकंड वाला में बच्चों से काम कराएंगे, 23 और 24 याद रखना है ठीक है। आगे चलते हैं, असम राइफल के भी हाल में डायरेक्टर जनरल नया बने हैं, उनका नाम है प्रदीप चंद्रन नायर। देखिए असम राइफल का पहले नाम था 1895 में स्थापना हुआ कछार लेबी करके, ठीक है कछार लेबी, बट 1917 में नाम हो गया इसका असम राइफल। इसका आदर्श वाक्य क्या है, सेंटिनल्स ऑफ नॉर्थ ईस्ट। अच्छा सुबोध कुमार जायसवाल, फिर मैं बार बार कितना बार रिपीट कर दिया हूँ, सीबीआई के डायरेक्टर बने हैं आपके आगे नेक्स्ट 2 ईयर के लिए। 1963 में सीबीआई का स्थापना हुआ, नॉन स्टेटरी बॉडी है। कुलदीप सिंह सीआरपीएफ के अभी आपके डीजी हैं और एनआईए के भी इनको एडिशनल चार्ज मिला है, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। चलते हैं आगे, अभी देखिए एसडीओ स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड डेवलपमेंट और डेवलपिंग ऑर्गेनाइजेशन, मतलब एक तरह का जो मानक प्रदान करने की जो संस्थाएं हैं अलग अलग, उनको सबके एक जगह लाना है, वन नेशन वन स्टैंडर्ड, हाई क्वालिटी का लैब हमें इंडिया में स्थापित करना है इस मिशन के तहत, कि जिससे जो स्टैंडर्ड की जांच होती है जैसे BIS होता है, ISI होता है, अलग अलग जो स्टैंडर्ड्स के होते हैं वो सारा अच्छे तरीके से हो पाए। तो ये जो पहला बन चुका है इसके अंदर जो डिक्लेयर किया गया है स्टैंडर्ड डेवलपिंग ऑर्गेनाइजेशन, वो है रिसर्च डिजाइन एंड द स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन, रेलवे का है ठीक है, RDSO। ये एक तरह से बहुत ही अच्छा स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन है जो कि मानक को चेक करता है रेलवे के अंदर जो बनते हैं उत्पाद, ठीक है तो RDSO ठीक है। आगे चलते हैं, तेलंगाना का 2 जून 2014 को स्थापना हुआ था, इसलिए तेलंगाना का स्टेटहुड डे मनाया जाता है। तेलंगाना में अब पता होना चाहिए कि रामागुंडम जो इंडिया का सबसे बड़ा तैरता हुआ सोलर पार्क है रामागुंडम, ठीक है तेलंगाना में। ये तेलंगाना कुछ इंपॉर्टेंट डैम्स एंड द रिवर्स हैं जो आपको याद रखने हैं। तेलंगाना ने अभी हाल में ही मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया भैया नेशनल हेल्थ अथॉरिटी ऑफ इंडिया के साथ, कि हम प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना को इंप्लीमेंट करेंगे अपने स्टेट के अंदर, तेलंगाना का ऐसा कहना है ठीक है। देखिए अभी लेफ्टिनेंट गवर्नर लद्दाख के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं RK माथुर, उन्होंने यूनटेब स्कीम लॉन्च किया। यूनटेब स्कीम क्या हुआ कि 12,300 टैबलेट इसके अंदर बटे हुए हैं, जो भी स्टूडेंट हैं उनको टैबलेट दिया जाएगा। यून टैब स्कीम कौन लॉन्च किया है, लद्दाख के RK माथुर ने, ठीक है लेह में, ठीक है ध्यान रखिएगा। केरला गवर्नमेंट ने एक मिशन को लॉन्च किया है नॉलेज इकोनॉमी मिशन ठीक है, इसमें जो भी स्टेट के अंदर जो जॉब का जो प्रोस्पेक्ट है उसको बूस्टअप करेगा इस मिशन के तहत, ठीक है सपोर्टिंग नॉलेज वर्कर, किस चीज़ के लिए तो जो भी वर्कर होंगे वो उनको थोड़ा नॉलेज दिया जाएगा सपोर्ट, ठीक है तो ये इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे आगे क्लास में। लाइनेट होम आइलैंड, ये देखिए एक तरह का आर्टिफिशियल आइलैंड बनाने वाला है डेनमार्क, क्योंकि जो कोफेगन है वो बहुत ज़्यादा उसमें प्रॉब्लम चल रहा है, ठीक है वाटर लेवल वहाँ पे राइज कर गया है, तो लाइनेट होम आइलैंड बनाया जा रहा है डेनमार्क का, आर्टिफिशियल आइलैंड होगा, इसी को ध्यान रखिएगा ठीक है। CBSE ने अभी माइक्रोसॉफ्ट के साथ कोलेबरेशन किया और बोला कि हम अपने सर्कुलम में अपने करिकुलम में हम कोडिंग पढ़ाएंगे, कोडिंग को रखेंगे और डाटा साइंस को रखेंगे, बोला 6th क्लास से 8th क्लास के जो हैं उनके लिए हम कोडिंग करेंगे और 9th से 12th क्लास के बच्चे हैं उनके लिए हम डाटा साइंस के करिकुलम को शामिल करेंगे, ठीक है। जियोलॉजिकल रियासत टेक्नोलॉजी के आप रिपोर्ट को देख लीजिए, उसने बोला है कि इंडोनेशिया का जो मेरापी वोल्केनो है वो 4 बार इरप्ट हो गया, 1500 मीटर लावा को फैलाया है क्रेटर से, ठीक है। देखिए फील्ड डिवीजन एक है ध्यान रखिएगा, जो एक फेस्टिवल को ऑर्गेनाइज कर रहा है इन्वायरमेंट को लेके, ओएसिस ऑफ होप 5 जून के वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे के उपलक्ष्य पे ओएसिस ऑफ होप नाम का एक फेस्टिवल ऑर्गेनाइज कर रहा है, ऑनलाइन फेस्टिवल फिल्म डिवीजन द्वारा, ठीक है। आगे चलते हैं, विश्व पर्यावरण दिवस 2021 के बारे में ध्यान रखिएगा, 5 जून को मनाया जाता है हमेशा। इस बार का थीम है री इमेजिन रिक्रिएट एंड द रीस्टोर, ICS याद रखना ट्रिक, री तो सब में रहेगा, आई फॉर इमेजिन, सी फॉर क्रिएट एंड एस फॉर स्टोर, री इमेजिन री क्रिएट एंड री स्टोर विश्व पर्यावरण दिवस का थीम है। पर्यावरण दिवस स्टार्ट हुआ 1972 से मनाना, और ध्यान रखिएगा इसका क्या क्या काम है जो मैंने आपको यहाँ बता दिया। अभी हाल में ही एक UN डिकेड फोर, देखिए UN ने एक दशक बोला है कि इकोसिस्टम के लिए हम एक दशक रखेंगे, इकोसिस्टम के रीस्टोर करने के लिए, जो हमारा जो जैव विविधता है जो हमारा इकोसिस्टम है उसको रीस्टोर करने के लिए हम एक दशक मनाएंगे 2021 से लेकर 2030 तक, जिसमें हम
बिलियंस ऑफ हेक्टेयर मतलब बहुत ज़्यादा एरिया ऑफ लैंड को हम लोग जो फॉरेस्ट फॉरेस्ट हो जाए, फार्म लैंड हो जाए, माउंटेन हो जाए, नीचे हो जाए, सारे डेप्थ ऑफ सी सब जगह हम लोग रिवाइव करने का काम करेंगे। और ये करेगा जाएगा UNEP के द्वारा, यूनाइटेड इन्वायरमेंट सॉरी यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम, जो कि हमारा हेडक्वार्टर है केन्या, एंड द फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन जिसका हेडक्वार्टर है रोम इटली, इन दोनों मिलकर ये सारी चीज़ें किया जाएगा, रिपोर्ट भी पेश करेगा, ठीक है, कुल मिलाकर रिस्टोर करने का काम करेगा। करा कि इन विच सिटी नरेंद्र सिंह तोमर इनॉग्रेटेड इंडस वेस्ट मेगा फूड पार्क। देखिए मेगा फूड पार्क क्या होता है, मेगा फूड पार्क क्या है कि जो भी फार्म प्रोड्यूस होते हैं, मतलब जो भी किसान के जो भी किसान ने जो भी चीज उपजाया वो सीधे प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में, जैसे कि मान लेते गेहूं उपजा रहा तो गेहूं कहाँ जाएगा, जहाँ पे गेहूं से सामान बनते हैं, बिस्किट विस्कुट बनते हैं, तो फार्म से प्रोड्यूस प्रोसेसिंग इंडस्ट्री से लेके कंज्यूमर मार्केट तक ये पूरा जो एक तरह से समझ लीजिए ना कि एक पूरा तरह से नेटवर्क होता है, नेटवर्क ऑफ कलेक्शन सेंटर एंड द प्राइमरी प्रोसेसिंग सेंटर, इस चीज को बोलते हैं मेगा फूड पार्क। एक तरह का स्कीम है जिसमें जिसको स्टार्ट किया मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग ने कि डायरेक्ट लिंक करेंगे हम फार्म से लेके प्रोसेसिंग से लेके कंज्यूमर मार्केट, तीनों को पूरा लिंक कर देंगे हम, ठीक है। तो अभी प्रस्तावित है 42 मेगा फूड पार्क बनना है इंडिया में, जिसमें 42 मेगा फूड 25 मेगा फूड पार्क ऑलरेडी बन चुके हैं, ठीक है। और ध्यान रखिएगा कि इटली ने अभी हाल में ही महसाना में, फनीदर जगह है महसाना में, वहां पे इटली ने अपना पहला मेगा फूड पार्क बनाया गया है, ठीक है, इटली ने फनीदर में महसाना में गुजरात में, ठीक है। ये मेगा फूड पार्क के बारे में सुने कि इससे क्या होगा कि किसानों को बेटर प्राइस मिलेगा, किसानों को अल्टरनेट मार्केट मिलेगा, किसानों को एक स्टोरेज फैसिलिटी मिलेगा कि वहां पे अपने सामान को स्टोर कर सकते हैं अच्छा कंडीशन में। रायपुर में भी वाटर एकेडमी भी बना, ध्यान रखिए रायपुर में ही इंडस वेस्ट मेगा फूड पार्क का इनोग्रेशन हुआ है। रायपुर में वाटर अकाडमी भी आपको हाल में इस्टेब्लिश किया गया, याद रखिएगा, ठीक है। आगे चलते हैं हम लोग, गाजियाबाद के बारे में बात करेंगे। तो गाजियाबाद में अभी हाल में ही ग्रीन म्यूनिसिपल बोर्ड जारी करने वाला पहला जो आपका म्यूनिसिपलिटी है वो गाजियाबाद, ग्रीन म्यूनिसिपल बोर्ड। भुवनेश्वर में हॉकी वर्ल्ड कप होने वाला है, मेन 2023 का भुवनेश्वर में, और हमारा राउरकेला में। गोरखपुर में भी हाल में अब न्यूज में रहा है कि शहीद अशफाक उल्ला जू, जो वहाँ यूपी का तीसरा जू बनने वाला है, शहीद अशफाक उल्ला खां जू, ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये महत्वपूर्ण था मैंने बता दिया आपको, ये सारे महत्वपूर्ण डेट हैं, याद रखें, जो मैंने स्टार लगाया वो सारे महत्वपूर्ण है, सबको याद रखना आपको, ठीक है। देखिए अभी हाल में इंडियन गवर्नमेंट ने अढ़ाई मिलियन यूएसडी डॉलर का प्रोजेक्ट साइन किया है, जिसमें सिक्किम के अंदर जो रोड है अब उसके अपग्रेड किया जाएगा, सिक्किम के महत्वपूर्ण डिस्ट्रिक्ट के रोड्स को, ठीक है। तो इस चीज़ के लिए लोन मांगा है, कितना लोन साइन किया, मतलब लोन कितना साइन किया गया है इंडिया गवर्नमेंट को, अढ़ाई मिलियन डॉलर कहाँ से, तो एशियन डेवलपमेंट बैंक की स्थापना 1966 में हेड क्वार्टर मनीला फिलीपींस में है। एशियन डेवलपमेंट बैंक के प्रेसिडेंट हैं मासातसुगु असाकावा, प्रेसिडेंट महत्वपूर्ण है। एशियन डेवलपमेंट बैंक ने बोला कि हम जीडीपी इंडिया का जो है 11% होगा 21-22 में, बोला 22-23 में जीडीपी 7% होगा। एशियन डेवलपमेंट बैंक ने इंडिया को भी डेढ़ बिलियन डॉलर मतलब लगभग 150 करोड़ डॉलर इंडिया को कोविड में से निपटने के लिए दिया है। अभी हाल में ही $484 मिलियन तमिलनाडु के साथ साइन किया है एशियन डेवलपमेंट बैंक ने, वहाँ तमिलनाडु के अंदर ट्रांसपोर्ट कनेक्टिविटी को बढ़ाने के लिए। अच्छा, वर्ल्ड बैंक और IMF के बारे में जानिए, वर्ल्ड बैंक और IMF का स्थापना ब्रेटन वुड समिट के बाद होती है, इसलिए दोनों को ब्रेटन वुड संस्था भी बोलते हैं। ब्रेटन वुड सम्मेलन 1944 में पहले वर्ल्ड बैंक हो गया, 45 में इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की स्थापना हो गई। अच्छा, वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर Washington DC में है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की स्थापना 1985 में हुआ, इसके MD कौन है, अभी मैनेजिंग डायरेक्टर है क्रिस्टलिना जॉर्जीवा। अच्छा, IMF के जो चीफ इकोनॉमिस्ट इंडिया के गीता गोपीनाथ, अभी हाल में ये IMF के चीफ इकोनॉमिस्ट कौन है, गीता गोपीनाथ। अच्छा, न्यू डेवलपमेंट बैंक है, इसका स्थापना ब्रिक्स कंट्रियों ने किया, और इसका 2014 में, और इसका हेडक्वार्टर है संघाई में, समझ रहे हैं बात को, मैंने सब कुछ बता दिया इस संबंधित जितने में सवाल थे। देखिए पद्म विभूषण से अवार्डेड थे अनिरुद्ध जगन्नाथ, जो कि आपके मॉरिशस के पहले मतलब पूर्व PM और प्रेसिडेंट रह चुके हैं मॉरिशस के, क्या नाम है, पद्म विभूषण अनिरुद्ध जगन्नाथ। अभी बताइएगा मुझे कमेंट करके कि अभी मॉरिशस में कौन है PM, ठीक है। देखिए फिजी की राजधानी सुबा है, ये हमारा दक्षिणी प्रशांत महासागर में आता है, और ये मेलानेशिया और ओसेनिया कंटिनेंट के पार्ट है, ठीक है, सुबा राजधानी है फिजी का।
देखिए सेशेल्स द्वीप के बारे में बात करेंगे, इसका राजधानी विक्टोरिया है, जिसके अभी बेवेल रामाकृष्णन पीएम है, ध्यान रखिएगा। अच्छा मॉरिशस का राजधानी पोर्ट लुइस है, लेकिन मॉरिशस अफ्रीका कॉन्टिनेंट में है, इंडियन ओशन में, लेकिन है अफ्रीका कॉन्टिनेंट में। लेकिन एक मालदीप है जो कि एशिया कॉन्टिनेंट में आता है, और ये भी है इंडियन ओशन में, राजधानी माले। आगे चलते हैं, देखिए आईएनएस संधायक के बारे में जानिए, ये पहला देशी निर्मित था जो कि हाइड्रोग्राफिक सर्वे किया, जिसने बहुत सारे हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण किए, ये आईएनएस संधायक, ये पहला भारत स्वदेशी रूप से डिजाइन किया गया था और हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण के लिए ऐसा जहाज था, जो 1981 में इंडियन नेवी के अंदर में आया था, और अब इसको रिटायर कर दिया गया 2021 में, ठीक है। इसको बनाया था गार्डन रीच शिप इंजीनियरिंग लिमिटेड ने, गार्डन रीच, गार्डन रीच कहाँ है तो कोलकाता में, जो कभी मिलाने के एग्जाम में आता, मंझगांव डॉकयार्ड कहाँ पे है, जीआरए शिप कहाँ पे है, लार्सन टर्बो कहाँ पे, हिंदुस्तान शिपयार्ड कहाँ पे, बहुत बार मैच द फ्लोगिंग आया है। तो हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड कहाँ पे है, विशाखापट्टनम में, लार्सन टर्बो आपको पता है मुंबई में, गोवा शिपयार्ड लिमिटेड कहाँ पे है, गोवा में, तो महत्वपूर्ण है। अभी हाल में आईएनएस विराट को भी रिटायर कर दिया गया, जो कि ब्रिटेन से हमने लिया था, आईएनएस राजपूत को रिटायर कर, जो कि हमने रशिया से लिया था, जो पहला डिस्ट्रॉयर था, फर्स्ट बिंध्वंसक था, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, देखिए बिहार बोला कि हम अपने महिलाओं को, अपने राज्य के महिलाओं को मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेज में 33% रिजर्वेशन देंगे, मतलब वहां पे हम सीटों में रिजर्वेशन देंगे, ठीक है, ध्यान रखें। बिहार ने अभी हाल में बाल सहायता योजना, बिहार करेगा सहायता, यूपी करेगा, हरियाणा करेगा सेवा, तो बाल सेवा योजना और बाल सहायता दोनों, बिहार में बोला कि 1500 प्रति मंथ देंगे बाल सहायता योजना के तहत, जो जो इनका COVID-19 से जिनका डेथ हो गया, ठीक है। एमपी में सास अभियान, झारखंड में समर कैंपेन, अभी कंफर्म, ध्यान रखिएगा, ठीक है। रिजर्वेशन की बात करते हैं, आर्टिकल 15 का 4 कहता है, जो भी सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड है, जो सामाजिक रूप से और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग हैं, उसके लिए सरकार थोड़ा सा उसके लिए प्रोविजन बना सकती है स्पेशल, और भेदभाव कर सकती है। भेदभाव कैसा, पॉजिटिव भेदभाव। देखिए 15 में क्या कह दिया कि लिंग, जाति, मूलवंश, ये सब के आधार पे आप नहीं कर सकते हैं भेदभाव, कोई भी चीज में राज्य भेदभाव नहीं करेगा। देखिए 15 में 4 में कह दिया कि इन लोगों के लिए कुछ स्पेशल प्रोविजन बनाए। अब देखिए, अब जब स्पेशल प्रोविजन बनाएगा तो फिर तो बोलेगा ना कि आप तो एक को दे रहे हैं तो नहीं दे रहे, तो बोला कि इसके लिए आप कर सकते हैं, ये पॉजिटिव भेदभाव है, ठीक है, उस वर्ग के लोगों के उठने के लिए, सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड, ठीक है, एजुकेशनली मैंने लिख दिया। 15 का 5 कहता है कि सोशली और इकोनॉमिक के जो सॉरी एजुकेशनली जो बैकवर्ड है उनके लिए जो शिक्षा संस्थान है उसमें रिजर्वेशन दिया जाए, ठीक है। 16 का 4 कहता है नौकरियों में इन 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 कम्युनिटी को, SC BC कम्युनिटी को रिजर्वेशन दिया जाए। और देखिए ध्यान रखिए, ये हो गया। अभी 103वां संविधान संशोधन हुआ, जो बोला कि स्वर्ण आरक्षण, जो स्वर्ण जो है, स्वर्ण जाति है, उनके उनको EWS कैटेगरी में जो आते हैं, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, जो आर्थिक रूप से कमजोर है, उनको 10% आरक्षण दिया जाए, इसलिए 103वां संशोधन हुआ। और 15 का आर्टिकल 6 और 16 का क्लॉज 6, ये दोनों जुड़ गया, 15 का 6 और 16 का 6। 15 का 6 में क्या बोला गया कि EWS को रिजर्वेशन दीजिए, इसके लिए कुछ काम करिए, सरकार प्रोविजन बनाएगी। और 16 का 6 बोला कि नौकरियों में EWS को 10% आरक्षण मिलेगी, ठीक है। आगे चलते हैं, WHO के एग्जीक्यूटिव बोर्ड अभी हाल में बनाए गए। देखिए WHO के एग्जीक्यूटिव बोर्ड के चेयरमैन अभी थे, 2 जून तक थे, डॉक्टर हर्षवर्धन, 2 जून के बाद इनका कार्यकाल खत्म, तो अब बने हैं डॉक्टर पैथरिक अमोत। रिति सिन्हा आपके पता है कि यूनाइटेड नेशन का जो कैपिटल डेवलपमेंट फंड है उनके एग्जीक्यूटिव सेक्रेटरी हैं। उषा रोमिनारी के बारे में जानिए कि अंडर सेक्रेटरी जनरल बने हैं, एसोसिएट एडमिनिस्ट्रेटर बने हैं UNDP की। एसएन सुब्रमण्यम के बारे में याद रखिएगा, चेयरमैन है नेशनल सेफ्टी काउंसिल का। ओके, कह रहा कि ऑल इकाइनोडर्म्स आर बेबी पोरस। देखिए बेबी पोरस होता है एक ओबी पोरस, बेबी पोरस जो कि अपने बच्चों को जन्म देती है वर्थ यंग, ठीक है, और ओबी पोरस जो कि अंडा जन्म देती है, ओ मिस ओ हो गया मतलब अंडा, ये याद करने का सबसे अच्छा तरीका, भुलाइएगा मत, ठीक है। ओबी पोरस और बेबी पोरस में ये अंतर है, एक मैमल है जो अंडा देता है स्तनधारी, लेकिन देता है क्या भैया, अंडा, वो है प्लेलिप्टस, ठीक है, ध्यान रखिएगा। ये देख सकते हैं कुछ इकाइनोडर्म के बारे में आपका, मतलब इकाइनोडर्म क्या होता है, जितने भी इकाइनोडर्म्स हैं वो सारे ओबी पोरस होते हैं, वो सारे ओबी पेरस होते हैं, ठीक है, इसलिए वाला तो गलत हो जाएगा, तो हमारा यही तो किसमें, इसमें कौन गलत है, ये हमारा सही होगा। राउंड बॉल में कोई सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं होता है, बोनी फिश में स्विम ब्लैडर होते हैं, कार्टिलेजियस फिश में फर्टिलाइजेशन इंटरनल होता है, लेकिन इकाइनोडर्म में फर्टिलाइजेशन क्या होता है, एक्सटर्नल होता है, इसमें ओपन सर्कुलेटरी होते हैं, ये स्टार लाइक आपको दिखाई पड़ेगा, ठीक है। और इसे कुछ एग्जांपल मैं आपको दिखा दूं, यहाँ पर देख सकते हैं एग्जांपल है स्टार फिश, सी अर्चिन, सी लिली, सी ककंबर, ब्रिटल स्टार, ये सारे आपके इनके एग्जांपल है इकाइनोडर्म के, समझ रहे हैं बात को।
कह रहा है कि रेशम कीट जो होता है, एक देखिए रेशम कीट जो होता है, जो रेशम का उत्पादन करता जो जो कीट है, जो वो जो कीट है वो कब उसके किस स्टेज में हम उससे रेशम प्राप्त करते हैं, ठीक है। तो देखिए उसका स्टेज होता है, पहले अंडा देगा, अंडा फिर लार्वा बनेगा, लार्वा से बाद प्यूपा, प्यूपा बनता है ना, देखिए मैंने स्टेप बताया था, प्यूपा के टाइम में ही इसमें से हम लोग सिल्क निकालते हैं, ठीक है। प्यूपा क्या होगा, प्यूपा, समझ रहे बात को, मैंने बताया था डिटेल में, तो इसको आपको पढ़ना है। समुद्री गहराई को नापते हैं हम लोग फैदोमीटर से, गैल्वेनोमीटर से हम लोग इलेक्ट्रिक करंट को मापते हैं, लेकिन छोटा छोटा इलेक्ट्रिक करंट को मापते हैं, पोटेंशियोमीटर या ब्रिज में, ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट को। पायरोमीटर आपका जो बहुत ज्यादा टेम्परेचर को नापने के, 2000 डिग्री सेल्सियस से ऊपर टेम्परेचर है तो पायरोमीटर का इस्तेमाल हम लोग करते हैं, ओके। पायर हेलियोमीटर क्या है, पायर हेलियोमीटर की सूर्य के विकिरण को, रेडिएशन को, सूर्य के रेडिएशन को हम लोग मापते हैं। सोनार का मतलब होता है साउंड एंड नेविगेशन रेंजिंग। देखिए सोनार में क्या होता है, एक तरह डिवाइस है जो कि समुद्र के अंदर, पानी के अंदर कोई भी दूरी में वस्तु है, वस्तु के खोज करने के लिए, वस्तु की दूरी, वस्तु के गति, वस्तु के डायरेक्शन को पता लगाने के लिए इस्तेमाल करते हैं नेविगेटर लोग। सोनार का एक तरह का अल्ट्रासोनिक वेव छोड़ता है जो टकरा के वापस आता था, पता चलता कितना दूरी में कितना स्पीड में टकरा गया, उस अकॉर्डिंग सब कुछ कैलकुलेट किया था। अल्ट्रासोनिक वेव, हमेशा अल्ट्रासोनिक, नॉट इंफ्रा, अल्ट्रासोनिक वेव, सुनने रहे बात को, आगे चलते। सबसे हाईएस्ट अगर मिनरल नेचुरल एलिमेंट की बात करते हैं तो वो यूरेनियम है। यूरेनियम के दो आइसोटोप होते हैं, आइसोटोप का मतलब सम स्थानिक, स्थानिक मतलब भैया कि स्थान सेम होगा, स्थान सेम होता होगा मतलब कि उनका एटॉमिक नंबर पीरियोडिक टेबल में सेम होगा लेकिन उनका मास अलग हो जाएगा। जैसे मास अलग हो गया तो हो गया सम स्थानिक, ये होता है समभारिक। समभारिक में क्या होता है, मास ही सेम होता है उसका एटॉमिक नंबर अलग हो जाता है। तो ये हो गए सम स्थानिक आइसोटोप। यूरेनियम के दो हैं, वो है एक यूरेनियम 235 और यूरेनियम 238। एटॉमिक नंबर आपको पता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या को बोलते हैं, जोड़ेंगे तो निकलता है एटॉमिक नंबर। तो प्रोटॉन दोनों में समान होता है, प्रोटॉन दोनों में समान होता है और न्यूट्रॉन दोनों में अलग अलग होता है, उसको बोलते हैं आइसोटोप। जैसे न्यूट्रॉन बढ़ा देंगे तो पी प्लस एन से आपका क्या निकलता है, एटॉमिक नंबर, सॉरी एटॉमिक मास, सॉरी 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 एटॉमिक मास निकलता है, ठीक है। तो जब आप पी प्लस एन, एन का संख्या बढ़ा दीजिएगा तो मास चेंज होगा कि नहीं, एन का संख्या सेम रखेगा तो चेंज नहीं होगा। तो प्रोटॉन सेम रहता है, न्यूट्रॉन का मास, न्यूट्रॉन का संख्या मतलब घटते बढ़ते रहता है, वो हो गया आपका आइसोटोप। सो क्या कहलाता है, आइसोटोप, दैट हैज सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन बट डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, जिसमें प्रोटॉन की संख्या समान हो न्यूट्रॉन की संख्या डिफरेंट हो, उसको हम बोलते हैं आइसोटोप। सम स्थानिक दो हैं, यूरेनियम 235, यूरेनियम 238। देखिए फिजिक्स में अगर हम बात करते हैं, एंटी पार्टिकल पेयर क्या होता है, एंटी पार्टिकल पेयर मतलब कि देखिए दोनों का मास, ऐसे पार्टिकल जिसका दोनों का मास सेम हो लेकिन दोनों का चार्ज अलग हो। इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन का मास सेम है लेकिन इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज है, पॉजिट्रॉन नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज है, ये दोनों कैसे हो गए, दोनों एंटी पार्टिकल पेयर हो गए, दोनों एंटी पार्टिकल पेयर हो गए। कुछ महत्वपूर्ण शॉर्ट न्यूज, शॉर्ट करंट अफेयर, डायरेक्टर जनरल कौन बने हैं एनआईए के, अभी मैंने जस्ट बताया कुलदीप सिंह जो सीआरपीएफ के थे उन्हें को बनाया गया डायरेक्टर जनरल ऑफ एनआईए, ओके। अच्छा ये तो पता होगा आपको, सुबोध कुमार जायसवाल के बारे में, सीबीआई के बारे में, राकेश अस्थाना बीआरओ। देखिए एशियन एलाइट चैंपियनशिप चल रहा है दुबई में, पूजा रानी जीती है, पहली वुमन, इंडियन वुमन जो गोल्ड जीती है, ठीक है। देखिए इंडियन ब्रॉडकास्टिंग फाउंडेशन जो था इसका नाम चेंज होकर हो गया इंडियन ब्रॉडकास्टिंग एंड डिजिटल फाउंडेशन, ये बोला कि हम डिजिटल क्षेत्रों को ओटीटी प्लेटफॉर्म को भी हम देखेंगे, इसका होगा, ठीक है, आगे करंट अफेयर कर लेंगे। देखिए मुख्यमंत्री अनुकंपा नियुक्ति योजना मध्य प्रदेश ने लॉन्च किया, बोला कि जितने भी हमारे हेल्थ वर्कर हैं वो चाहे प्राइवेट हो, वो चाहे गवर्नमेंट हो, वो चाहे रेगुलर हो, वो चाहे तो कहने का मतलब कि कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे, कुछ भी, सबको शामिल किया गया, अगर इनकी मृत्यु होती है तो इनके फैमिली को नौकरी मिलेगा कंपनेट ग्राउंड पे, मध्य प्रदेश ने इस चीज को लागू किया है, समझ रहे हैं बातों को। आगे हम चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर, नेक्स्ट सवाल है कि स्टार गेजिंग प्लेयर इन माई लाइफ, ये किसने लिखा, स्टार गेजिंग मतलब ये रवि शास्त्री के जीवन काल में जितने भी अभी तक मतलब अभी जो भी प्लेयर अच्छे अच्छे टैलेंटेड प्लेयर मिले उनके बारे में इन्होंने लिखा है, ये किताब किन्होंने लिखा, रवि शास्त्री का किताब है। एन एच आर सी के जो भी हेड बने हैं जस्टिस ए के मिश्रा बने हैं, ध्यान रखेगा एन एच एस आर के बारे में, एन एच आर सी का स्थापना 1993 में हुआ था, एक एक्ट आया था एन एच आर सी एक्ट, एन एच आर सी में एक प्रेसिडेंट होते हैं, एक अध्यक्ष होते हैं एंड फोर अदर मेंबर, चार अन्य सदस्य होते हैं एन एच एस आर से, ध्यान रखिएगा। और इसमें और भी सदस्य होते हैं जो इस एक ऑफिस, जैसे कि नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटी, नेशनल कमीशन फॉर एस सी एस टी, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन, इन सारे के अध्यक्ष जो हैं इसमें इनके सदस्य के रूप में होते हैं, बट एक एक प्रेसिडेंट और चार अदर सदस्य होते हैं, ध्यान रखिए, ठीक है।
ये सारे एक सौ फीसद चेयरमैन होते हैं, ध्यान रखिएगा ठीक। एनएच सारथी के बारे में आपने समझ लिया होगा ठीक है। इसका हेड जो हेड बनते हैं 70 साल या तो 5 साल इसका कार्यकाल जो पहले हो गया 5 साल कार्यकाल या 70 साल का कार्यकाल होता है किसका, एनएचआरसी के प्रेसिडेंट का, एनएचआरसी के चेयरमैन का। समझ रहे बातों को, आगे चलते हैं। देखिए आगे चलते हैं हम लोग, आगे से नेक्स्ट सवाल है। सावरकर एक कॉन्टेस्टेड लीजेसी किताब लिखा गया है, विक्रम संपत इतिहासकार इनका किताब लिखा गया है सावरकर कंटेस्टेड लीज। सावरकर वीर सावरकर ने भी किताब लिखा था इंडिया वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857। देखिए सावरकर 1911 में जेल में गए थे, उनको 51 साल का इनको सजा सुनाया गया था ठीक है, ध्यान रखिएगा ठीक है। वीर सावरकर के बारे में आपको पता होना चाहिए ठीक है। सावरकर के इतिहास भी पढ़ेंगे हम लोग, इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस, जब मॉडर्निस्टी पढ़ेंगे तो इसके बारे में चर्चा करेंगे ठीक है। देखिए दो अभी एक्सरसाइज हुए, स्काई गार्जियन वन, स्काई गार्जियन एक्सरसाइज जो हुआ है वो पाकिस्तान और इजिप्ट ने किया, पाकिस्तान और इजिप्ट ने किया स्काई गार्जियन वन। एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप दुबई में चल रहा है, उसमें गोल्ड मेडल जीतने वाले संजीत कुमार है, एक पूजा रानी ठीक है। युवा प्रोग्राम क्या है भैया, यंग ऑथर को एक तरह से मेंटर करने का प्रोग्राम है। देखिए प्राइम मिनिस्टर मोदी ने बोला कि जो बच्चे जिनके माता पिता खो गए हैं, मतलब जिनका माता पिता का डेथ हो चुका है कोविड में, उनको 18 से 23 साल के लिए हम क्या करेंगे, हम तो हर महीने पैसा देंगे ही, और जब 23 साल के बाद उनको 10 लाख उनको देंगे हम लोग उनके अकाउंट में, उनको कुछ बिजनेस करना है तो इसके लिए पीएम केयर फंड बनाया गया है 10 लाख का हर एक बच्चों के लिए। तो ये अभी तक टोटली 577 बच्चों को अभी मतलब ऐसे बच्चे मिले हैं जिनके माता पिता का डेथ कोविड में हुआ है ठीक है। तभी और भी सर्वे होगा, तो ये ध्यान रखें, ये हमारा है आपका पीएम केयर फंड। तो आज के करंट अफेयर को यहीं पे समाप्त करते हैं, हम लोग मिलेंगे अब कल के डेली करंट अफेयर में। ये हमारा वीकली करंट अफेयर था और हमारा अभी लाइव सेशन नहीं चल पा रहा है, आपको कुछ कारण है आपको मैं बता दूं कि ब्रॉडबैंड हमारा इशू चल रहा है बहुत ज़्यादा, आज संडे था नहीं हो पाया, जब हो जाएगा कल हमारा सही हो जाना चाहिए आई थिंक, तो हम लाइव सेशन जो हमारा शाम को हिस्ट्री क्लास चलता है उसको हम लोग कंडक्ट करेंगे ठीक है। तब तक के लिए आप लोग देखते रहे इस वीडियो को, और ये बताइएगा ये वीडियो कैसा लगा, रिविजन करने का ये तरीका कैसा है मुझे एक बार बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।